हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है अवतार जेम्स कैमरून के अवतार है उसका जो हिंदी वर्जन है इंग्लिश वर्जन है दूसरे सभी जो डब्ड वर्जन है वो कौन से ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी फिल्म का डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूं फिल्म की के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक डीप में जानकारी मिलने वाली है साथ ही में फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं अवतार जो 2009 की एक एपिक साइंस फिक्शन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है जेम्स कैमरन ने प्रोड्यूस भी जेम्स कैमरन और जॉन लैंडो ने मिलकर किया हुआ था जिन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स लाइट रोम लाइट फ्राम एंटरटेनमेंट ट्यून एंटरटेनमेंट इंजीनियर्स फिल्म पार्टनर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को टू थर्टी सेवन यू एस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाई बजट फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें वो जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो मारो फ्योर ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग के मामले में स्टीफन रिवकिन जॉन रेफोन और जेम्स केमरोन ने मिलकर फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट जितनी लंबी देखने को मिलेगी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसके अलावा फिल्म को पहले लंदन में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी कंट्रीज में सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया हुआ था अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो जेम्स वर्थिंगस्टन जो आपको इस फिल्म में कॉर्पोरल जेक सोली के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा जोई सेल्डनान ने इसमें नेत्री का रोल प्ले क्या हुआ है इसके अलावा स्टिपन लेंगे आपको कलनल माइल्स कोरिज के रोल में देखने को मिलेंगे मिचेल रोड्रिगस ने इस फिल्म में ट्रूडी चाओ का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोबनी रिबीसी ने इस फिल्म में पार्कर सेल्फ्रिज का रोल प्ले किया हुआ है ज्वेल डेविड मूर्य ने इस फिल्म में डॉक्टर नॉर्मस स्पेलमैन का रोल प्ले किया हुआ है सीसीएच पाउंडर ने इस फिल्म में माउट का रोल प्ले किया हुआ है वेज स्टूबनी ने इस फिल्म में इजुते के शखा का, का रोल प्ले किया हुआ है लेज ने इस फिल्म में रोंगलो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिजोर ने वीवर इस फिल्म में डॉक्टर ग्रेस ऑक्टेन के रोल में देखने को मिलेंगे दिलीप राव ने डॉक्टर मैक्स पटेल का रोल प्ले किया मैट केरल ने इस फिल्म में कॉर्पोरल लाइल एंसफिल्ड का रोल प्ले किया हुआ था फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इसमें से कुछ रोल्स है वो फिल्म के सिक्वल के लिए भी यूज किए गए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 1994 में डायरेक्टर जेम्स केमरोन ने कुछ 80 पेज की एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी जहां पे उन्होंने साइंस फिक्शन बुक से इंस्पायर्ड होकर इसको तैयार किया था कि एडवेंचर नोवेल थी उनको चाइल्ड चाइल्डहुड में पढ़ी हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी अगस्त 1996 में कैमरन ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक फिल्म का कंप्लीट होने के बाद आने वाले समय में एक कंप्यूटर जनरेट एक्टर्स को लेकर उसमें फिल्म बनाने वाले करीबन उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगा वो हंड्रेड यूएस मिलियन हो सकता है जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में एक एक, एक मोशन पिक्चर्स के तौर पे हम बनाने वाले 1997 और नाइन के बीच में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था लेकिन कैमरों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी उतनी अभी तक हमारे पास नहीं है कि जो हम इस कहानी को इस विज़न को बड़े लेवल पर दिखा पाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी के चलते तो और बजट के चलते इस फिल्म को हम थोड़ा और लेटर और पूछ करते और उसके बाद में उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने जो कफ, ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स है उनके साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत की हुई थी अवतार के ऊपर और उन्होंने उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था और उसके बाद में अक्टूबर दो हज़ार पाँच छः में सभी चीज़ें रिवील हुई थी कि प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करने वाले अवतार नाम के साथ जहाँ पे इसके ऊपर काम आगे बढ़ाया गया था उसके बाद में डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ साथ किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा सेट डिज़ाइन किए गए थे आर्टिस्ट की कैरेक्टराइजेशन सेट की गई थी और फिल्म को किस तरह से शूट किया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर वे में एक आउटपुट तैयार किया गया था और एस्टिमेट बजट कुछ टू एट्टी टू थर्टी टेन यू मिलियन डॉलर लगाया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो अप्रैल 2007 में लॉस एंजलिस और वेलिंगस्टन से स्टार्ट की हुई थी बाद में धीरे धीरे इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया थ्री फ्यूजन कैमरा सिस्टम के थ्रू इस फिल्म को शूट किया हुआ था और फोटी परसेंट लाइव एक्शन हो गया और सिक्सटी परसेंटर कंप्यूटर जनरेट एलिमेंट आपको इस फिल्म के साथ देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें कुछ शेयर की हुई थी उन्होंने और उसके बाद में फ़िल्म की काफ़ी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में वी के ऊपर भी काम किया गया था और म्यूज़िक डबिंग सेंसर सर्टिफिकेशन एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर भी काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट थे 2009 में रिकॉर्ड किया गया था 15 दिसंबर 2009 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो चौदह टोटल ट्रैक थे जिसको भी ऑफिशियली आप एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो उसके अलावा डिलक्स एडिशन बोनस ट्रैक भी यूज़ किए हुए थे वो करीबन छः थे इसमें और बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया था तो ये सभी जो मोशन पिक्चर का म्यूजिक ट्रैक है वो सभी चीज़ें आपको एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को सुनने को मिल जाएगी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो अवतार फिल्म जब रिलीज़ होने वाली थी काफ़ी ज़्यादा हाई एक बजट तो था ही लेकिन उसके साथ में एक अच्छा खासा मार्केट में इस फिल्म का बस चल रहा था जिसके चलते फिल्म ने ओपनिंग काफ़ी बढ़िया ली हुई थी और वैसे भी जेम्स कैमरोन एक काफ़ी जाने माने डायरेक्टर है उन्होंने इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई है टाइटन के बाद वो अवतार फिल्म लेके आ रहे थे तो लोग वैसे आतुर थे और उन्होंने बाद में ये सभी पॉपुलरिटी देखते हुए अवतार टू थ्री फोर फाइव पार्ट को भी अनाउंस किया हुआ है जिसको जिसका दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज किया था तीसरा पार्ट उन्होंने दो का डेट दिया हुआ है चौथे पार्ट के लिए दो और पाँचवें पार्ट के लिए दो की डेट दी हुई है फिलहाल में इन सभी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है फिर सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुल हुआ था पहले पार्ट को जब रिलीज किया गया तो एक अच्छा खासा एक ओपनिंग तो मिलाया था लेकिन उनकी फिल्में काफ़ी लंबा रन लेती है बॉक्स ऑफिस पे ठीक उसी तरह इस फिल्म ने भी काफ़ी बड़ा लंबा रन लिया होता बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे पहले इस फिल्म को लंदन में रिलीज़ किया गया था प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस में रिलीज़ किया गया था फिल्म को दस से दिसंबर दो में लन में रिलीज़ किया था उसके बाद में यू में अठारह दिसंबर दो को रिलीज़ किया था साथ ही में वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस फिल्म को अलग अलग कंट्रीज़ में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पर सभी जगह से इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा ओपनिंग लिया उसके बाद में बढ़िया वीकेंड रहा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी लंबा रन दिलाने में कामयाब रहा जिसके चलते आई एम डी पे करीबन फिल्म को तेरह लाख वोट मिले जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लिया हुआ था तो अच्छे खासा लंबे रन के बाद फिल्म ने दो सौ सड़तीस यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने

डॉलर का कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पे और फिल्म ने ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जहाँ पे अपनी खुद की फिल्म टाइटैनिक का रिकॉर्ड है वो जेम्स कैमरन ने अवतार फिल्म के साथ तोड़ा हुआ था और अवतार फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना लंबा रन लिया इतना बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के सीक्वल की मांग की गई थी और उसके कुछ सालों के बाद दो में इसका सीक्वल भी आया जो भी काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ उसके बाद में जेम्स कैमरॉन ने इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जहाँ पे 2003, हजार दो अवतार तीसरा दो हज़ार अवतार चौथा पार्ट दो और अवतार का पाँचवा पार्ट दो में रिलीज़ होने के लिए का फैसला लिया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी उसके बाद में ओटीटी सैटेलाइट पे भी रिलीज़ किया वहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला अगर फिलहाल मैं आपको इस फिल्म को ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे साथ ही पे मल्टीपल सब टाइल भी देखने को मिलेंगे अवतार फिल्म के ऊपर तो इस तरह से अवतार फिल्म को वहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो दोनों पार्ट तो अगर अवतार फिल्म ने फिल्म को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार स्टार ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनल और, और हिंदी डब्ड वर्जन दोनों अवेलेबल है जिसको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अवतार फिल्म पहला पार्ट जो दो का है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप डिजनी प्लस हॉट के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है उसको स्टार गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए आप एंजॉय कर सकते हो अवतार जो 2009 की एक एपिक साइंस फिक्शन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है जेम्स कैमरन ने प्रोड्यूस भी जेम्स कैमरन और जॉन लैंडो ने मिलकर किया हुआ था जिन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स लाइट रोम लाइट फ्रॉम एंटरटेनमेंट ट्यून एंटरटेनमेंट इंजीनियर्स फिल्म पार्टनर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को टू थर्टी सेवन यू एस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ था, था। काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाई बजट फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें वो जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो मारो फ्योर ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग के मामले में स्टीफन रिवकिन जॉन रेफोन और जेम्स केमरोन ने मिलकर फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट जितनी लंबी देखने को मिलेगी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसके अलावा फिल्म को पहले लंदन में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी कंट्रीज में सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया हुआ था अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो जेम्स वर्थिंगस्टन जो आपको इस फिल्म में कॉर्पोरल जेक सोली के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा जो ने इसमें नेत्री का रोल प्ले क्या हुआ इसके अलावा आपको कलनल माइल्स कोरिज के रोल में देखने को मिलेंगे मिचेल रोड्रिगस ने इस फिल्म में ट्रूडी चाव का रोल प्ले क्या हुआ है ग्लोवनी रिबी ने इस फिल्म में पार्कर सेल्फ्रिज का रोल प्ले किया है जोएल डेविड मूर्य ने इस फिल्म में डॉक्टर नॉर्मस पेलमैन का रोल प्ले किया हुआ है सीसीएच पाउंडर ने इस फिल्म में माउट का रोल प्ले किया हुआ है ने इस फिल्म में के का, का रोल प्ले किया हुआ है लेज एलोनोस ने इस फिल्म में फिलते रोंगलो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिजोर ने वीवर इस फिल्म में डॉक्टर ग्रेस ऑक्स्टन के रोल में देखने को मिलेंगे दिलीप राव ने डॉक्टर मैक्स पटेल का रोल प्ले किया मैट केरल ने इस फिल्म में कॉर्पोरल लाइल फिल्म का रोल प्ले किया हुआ था फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इसमें से कुछ रोल्स है वो फिल्म के सिक्वल के लिए भी यूज किए गए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 1994 में डायरेक्टर जेम्स केमरोन ने कुछ 80 पेज की एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी जहां पे उन्होंने साइंस फिक्शन बुक से इंस्पायर्ड होकर इसको तैयार किया था कि एडवेंचर नोवेल थी उनको उन चाइल्डहुड में पढ़ी हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी अगस्त 1996 में कैमरा ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक फिल्म का कंप्लीट होने के बाद आने वाले समय में एक कंप्यूटर जनरेट एक्टर्स को लेकर उसमें फिल्म बनाने वाले करीबन उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगा वो हंड्रेड यूएस मिलियन हो सकता है जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में एक, एक, एक मोशन पिक्चर्स के तौर पे हम बनाने वाले 1997 और नाइन के बीच में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था लेकिन कैमरों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी उतनी अभी तक हमारे पास नहीं है कि जो हम इस कहानी को इस विज़न को बड़े लेवल पे दिखा पाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी के चलते तो और बजट के चलते इस फिल्म को हम थोड़ा और लेटर ऑन पूछ कर थे और उसके बाद में उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने जो ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स है उनके साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत की हुई थी अवतार के ऊपर और उन्होंने उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था और उसके बाद में अक्टूबर 2005 हज़ार में सभी चीज़ें रिवील हुई थी कि प्रोजेक्ट को रिट फिर से स्टार्ट करने वाले अवतार नाम के साथ जहां पे इसके ऊपर काम आगे बढ़ाया गया था उसके बाद में डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ साथ किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा सेट डिज़ाइन किए गए थे आर्टिस्ट की कैरेक्टराइजेशन सेट की गई थी और फिल्म को किस तरह से शूट किया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर वे में एक आउटपुट तैयार किया गया था और एस्टिमेट बजट कुछ टू एट्टी टू थर्टी टेन यू मिलियन डॉलर लगाया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो अप्रैल 2007 में लॉस एंजलिस और वेलिंगस्टन से स्टार्ट की हुई थी बाद में धीरे धीरे इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया थ्री फ्यूजन कैमरा सिस्टम के थ्रू इस फिल्म को शूट किया हुआ था और फोर्टी परसेंट लाइव एक्शन हो गए और सिक्सटी परसेंट कंप्यूटर कंप्यूटर जनरेट एलिमेंट आपको इस फिल्म के साथ देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें कुछ शेयर की हुई थी उन्होंने और उसके बाद में फ़िल्म की काफ़ी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में वी के ऊपर भी काम किया गया था और म्यूज़िक डबिंग सर्टिफिकेशन एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर भी काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइड थे 2009 में रिकॉर्ड किया गया था 15 दिसंबर 2009 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो चौदह टोटल टो, ट्रैक थे जिसको अभी ऑफिशियली आप एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो उसके अलावा डिलक्स एडिशन बोनस ट्रैक भी यूज़ किए हुए थे वो करीबन छः थे इसमें और बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया था तो ये सभी जो मोशन पिक्चर का म्यूजिक ट्रैक है वो सभी चीज़ें आपको एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को सुनने को मिल जाएगी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो अवतार फिल्म जब रिलीज़ होने वाली थी काफ़ी ज़्यादा हाई एक बजट तो था ही लेकिन उसके साथ में एक अच्छा खासा मार्केट में इस फिल्म का बस चल रहा था जिसके चलते फिल्म ने ओपनिंग काफ़ी बढ़िया ली हुई थी और वैसे भी जेम्स कैमरों एक काफ़ी जाने माने डायरेक्टर है उन्होंने इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई है टाइटन के बाद वो अवतार फिल्म लेके आ रहे थे लोग वैसे आतुर थे और उन्होंने बाद में ये सभी पॉपुलरिटी देखते हुए अवतार टू थ्री फोर फाइव पार्ट को भी अनाउंस किया हुआ है जिसको जिसका दूसरा पार्ट दो, जार दो जार में रिलीज़ किया था तीसरा पार्ट उन्होंने दो का डेट दिया हुआ है चौथे पार्ट के लिए दो और पाँचवें पार्ट के लिए दो की डेट दी हुई है फिलहाल में इन सभी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है फिर सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुल साबित हुआ था पहले पार्ट को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा एक ओपनिंग तो मिलाया था लेकिन उनकी फिल्में काफ़ी लंबा रन लेती है बॉक्स ऑफिस पे ठीक उसी तरह इस फिल्म ने भी काफ़ी बड़ा लंबा रन लिया होता बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे पहले इस फिल्म को लंदन में रिलीज़ किया गया था प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस में, में, में रिलीज़ किया गया था फिल्म को दस से दिसंबर दो में लंडन में रिलीज़ किया था उसके बाद में यू में अट्ठारह दिसंबर दो को रिलीज़ किया था साथ ही में वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस फिल्म को अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पर सभी जगह से इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा ओपनिंग लिया उसके बाद में बढ़िया वीकेंड रहा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी लंबा रन दिलाने में कामयाब रहा जिसके चलते आई एम डी पे करीबन फिल्म को तेरह लाख वोट मिले जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लिया हुआ था तो अच्छे खासा लंबे रन के बाद फिल्म ने दो सौ सड़तीस यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने टू पॉइंट नाइन टू थ्री यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पे और फिल्म ने ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जहाँ पे अपनी खुद की फिल्म टाइटेनिक का रिकॉर्ड है वो जेम्स कैमरों ने अवतार फिल्म के साथ तोड़ा हुआ था और अवतार फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना लंबा रन लिया इतना बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के की मांग की गई थी और उसके कुछ सालों के बाद 2022 में इसका सिक्वल भी आया जो भी काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ उसके बाद में जेम्स केमरों ने इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जहाँ पे 2003 हज़ार तीन दो अवतार तीसरा दो हज़ार पच्चीस अवतार चौथा पार्ट पार, दो हज़ार और अवतार का पाँचवा पार्ट दो हज़ार इक्कीस में रिलीज होने के लिए का फैसला लिया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी उसके बाद में ओटीटी सैटेलाइट पे भी रिलीज़ किया वहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला अगर फिलहाल मैं आपको इस फिल्म को ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर देखना है तो डिजनी प्लस होट के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे साथ ही में मल्टीपल सब टाइल भी देखने को मिलेंगे अवतार फिल्म के ऊपर तो इस तरह से अवतार फिल्म को वहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो दोनों पार्ट तो अगर अवतार फिल्म ने आप फिल्म को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार स्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनल और, और हिंदी डब्ड वर्जन दोनों अवेलेबल है जिसको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अवतार फिल्म पहला पार्ट जो दो हज़ार नौ का है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है उसको स्टार गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए आप एंजॉय कर सकते हो अवतार जो 2009 की एक एपिक साइंस फिक्शन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है जेम्स कैमरन ने प्रोड्यूस भी जेम्स कैमरन और जॉन लैंडो ने मिलकर किया हुआ था जिन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स लाइट रोम लाइट रॉम एंटरटेनमेंट ड्यून एंटरटेनमेंट इंजीनियर्स फिल्म पार्टनर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को टू थर्टी सेवन यूएस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाई बजट फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें वो जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो मारो फ्योर ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग के मामले में स्टीफन रिवकिन जॉन रेफोन और जेम्स केमरोन ने मिलकर फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट जितनी लंबी देखने को मिलेगी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसके अलावा फिल्म को पहले लंदन में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी कंट्रीज में सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया हुआ था अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो जेम्स वर्थिंगस्टन जो आपको इस फिल्म में कॉरपोरॉल जेक सोली के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा जो सेलडनान इसमें नेत्री का रोल प्ले क्या हुआ है इसके अलावा स्टीफन लेंगे आपको कर्नल माइल्स कोरिज के रोल में देखने को मिलेंगे मिचेल रोड्रिगस ने इस फिल्म में ट्रूडी चाओ का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोवनी रिबीसी ने इस फिल्म में पार्कर सेल्फ्रिज का रोल प्ले किया हुआ है जोएल डेविड मूर्य ने इस फिल्म में डॉक्टर नॉर्मस स्पेलमैन का रोल प्ले किया हुआ है सी सी एच पाउंडर ने इस फिल्म में माउट का रोल प्ले किया हुआ है ने इस फिल्म में रोल प्ले किया का, का रोल प्ले किया, किया हुआ है इसके अलावा शिजोर ने वीवर इस फिल्म में डॉक्टर ग्रेस ऑक्स्टेन के रोल में देखने को मिलेंगे दिलीप राव ने डॉक्टर मैक्स पटेल का रोल प्ले किया मैट केरला ने इस फिल्म में कॉर्पोरल लाइल इंसफिल्ड का रोल प्ले किया हुआ था फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट थे जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इसमें से कुछ रोल्स है वो फिल्म के सिक्वल के लिए भी यूज़ किए गए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 1994 में डायरेक्टर जेम्स केमरोन ने कुछ 80 पेज की एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी जहाँ पे उन्होंने साइंस फिक्शन बुक से इंस्पायर्ड होकर इसको तैयार किया था कि एडवेंचर नोवेल थी उनको उन चाइल्डहुड में पढ़ी हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी अगस्त 1996 में कैमरा ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक फिल्म का कंप्लीट होने के बाद आने वाले समय में एक कंप्यूटर जनरेट एक्टर्स को लेकर उसमें फिल्म बनाने वाले करीबन उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगा वो हंड्रेड यूएस मिलियन हो सकता है जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में एक, एक, एक मोशन पिक्चर्स के तौर पे हम बनाने वाले 1997 और नाइन के बीच में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था लेकिन कैमरों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी उतनी अभी तक हमारे पास नहीं है कि जो हम इस कहानी को इस विज़न को बड़े लेवल पे दिखा पाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी के चलते तो और बजट के चलते इस फिल्म को हम थोड़ा और लेटर ऑन पूछ करते थे और उसके बाद में उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने जो ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स है उनके साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत की हुई थी अवतार के ऊपर और उन्होंने उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था और उसके बाद में अक्टूबर दो हज़ार पाँच छः में सभी चीज़ें रिवील हुई थी कि प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करने वाले अवतार नाम के साथ जहाँ पे इसके ऊपर काम आगे बढ़ाया गया था उसके बाद में डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ साथ किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा सेट डिज़ाइन किए गए थे आर्टिस्ट की कैरेक्टराइजेशन सेट की गई थी और फिल्म को किस तरह से शूट किया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर वे में एक आउटपुट तैयार किया गया था और एस्टिमेट बजट कुछ टू टू थर्टी टेन मिलियन डॉलर लगाया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो अप्रैल 2007 में लॉस एंजलिस और वेलिंगस्टन से स्टार्ट की हुई थी बाद में धीरे धीरे इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया थ्री फ्यूजन कैमरा सिस्टम के थ्रू इस फिल्म को शूट किया हुआ था और फोर्टी परसेंट लाइव एक्शन हो गए और सिक्सटी परसेंट कंप्यूटर जनरेट एलिमेंट आपको इस फिल्म के साथ देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें कुछ शेयर की हुई थी उन्होंने और उसके बाद में फ़िल्म की काफ़ी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में वी के ऊपर भी काम किया गया था और म्यूज़िक डबिंग सर्टिफिकेशन एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर भी काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के पास म्यूज़िक के राइट्स थे 2009 में रिकॉर्ड किया गया था 15 दिसंबर 2009 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो चौदह टोटल टो, ट्रैक थे जिसको अभी ऑफिशियली आप एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो उसके अलावा डिलक्स एडिशन बोनस ट्रैक भी यूज़ किए हुए थे वो करीबन छः थे इसमें और बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया था तो ये सभी जो मोशन पिक्चर का म्यूज़िक ट्रैक है वो सभी चीज़ें आपको एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को सुनने को मिल जाएगी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के रिलीज़ के ऊपर तो अवतार फिल्म जब रिलीज़ होने वाली थी काफ़ी ज़्यादा हाई एक बजट तो था ही लेकिन उसके साथ में एक अच्छा खासा मार्केट में इस फिल्म का बस चल रहा था जिसके चलते फिल्म ने ओपनिंग काफ़ी बढ़िया ली हुई थी और वैसे भी जेम्स कैमरोन एक काफ़ी जाने माने डायरेक्टर है उन्होंने इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई है टाइटन के बाद वो अवतार फिल्म लेके आ रहे थे लोग वैसे आतुर थे और उन्होंने बाद में ये सभी पॉपुलरिटी देखते हुए अवतार टू थ्री फोर फाइव पार्ट को भी अनाउंस किया हुआ है जिसको जिसका दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज़ किया था तीसरा पार्ट उन्होंने 2025 का डेट दिया हुआ है चौथे पार्ट के लिए दो और पाँचवें पार्ट के लिए दो की डेट दी हुई है फिलहाल में इन सभी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है फिर सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुल साबित हुआ था पहले पार्ट को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा एक ओपनिंग तो मिलाया था लेकिन उनकी फिल्में काफ़ी लंबा रन लेती है बॉक्स ऑफिस पे ठीक उसी तरह इस फिल्म ने भी काफ़ी बड़ा लंबा रन लिया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे पहले इस फिल्म को लंदन में रिलीज़ किया गया था प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस में रिलीज़ किया गया था फ़िल्म को दस से दिसंबर दो में लन में रिलीज़ किया था उसके बाद में यूएस में 18 दिसंबर 2009 को रिलीज़ किया था साथ ही में वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे सभी जगह से इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा ओपनिंग लिया उसके बाद में बढ़िया वीकेंड रहा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी लंबा रन दिलाने में कामयाब रहा जिसके चलते आई एम डी पे करीबन फिल्म को तेरह लाख वोट मिले जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लिया हुआ था तो अच्छे खासा लंबे रन के बाद फिल्म ने दो सौ मिलियन डॉलर के बजट के सामने 2.923 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पे और फिल्म ने ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जहाँ पे अपनी खुद की फिल्म टाइटैनिक का रिकॉर्ड है वो जेम्स के ने अवतार फिल्म के साथ तोड़ा हुआ था और अवतार फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना लंबा रन लिया इतना बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के सीक्ल की मांग की गई थी और उसके कुछ सालों के बाद दो में इसका सिक्वल भी आया जो भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ उसके बाद में जेम्स केमरो ने इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जहाँ पे 2003, हजार तीन दो अवतार तीसरा 2025, दो हजार अवतार चौथा पार्ट दो और अवतार का पांचवा पार्ट दो में रिलीज होने के लिए का फैसला लिया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी उसके बाद में ओ टी पे भी रिलीज़ किया वहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला अगर फिलहाल मैं आपको इस फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखना है तो डिजनी प्लस होट के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे साथ ही में मल्टीपल सब टाइल भी देखने को मिलेंगे अवतार फिल्म के ऊपर तो इस तरह से अवतार फिल्म को वहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो दोनों पार्ट तो अगर अवतार फिल्म ने आप फिल्म को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार स्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनल और, और हिंदी डब्ड वर्जन दोनों अवेलेबल है जिसको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अवतार फिल्म पहला पार्ट जो दो हज़ार नौ का है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है उसको स्टार गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए आप इन्जॉय कर सकते हो अवतार जो 2009 की एक एपिक साइंस फिक्शन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है जेम्स कैमरन ने प्रोड्यूस भी जेम्स कैमरन और जॉन लैंडो ने मिलकर किया हुआ था जिन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स लाइट रोम लाइट रॉम एंटरटेनमेंट ट्यून एंटरटेनमेंट इंजीनियर्स फिल्म पार्टनर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को टू थर्टी सेवन यू एस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाई बजट फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें वो जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो मारो फ्योर ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग के मामले में स्टीफन रिवकिन जॉन रेफोन और जेम्स केमरोन ने मिलकर फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट जितनी लंबी देखने को मिलेगी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसके अलावा फिल्म को पहले लंदन में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी कंट्रीज में सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया हुआ था अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो जेम्स वर्थिंगस्टन जो आपको इस फिल्म में जेक सोली के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा जो सेल्डना ने इसमें त्री का रोल प्ले क्या हुआ है इसके अलावा स्टीफन लेंगे आपको कर्नल माइल्स कोरिज के रोल में देखने को मिलेंगे मिचेल रोड्रिगस ने इस फिल्म में ट्रूडी चाओ का रोल प्ले क्या हुआ है ग्लोवनी रिबी ने इस फिल्म में पार्कर सेल्फ्रिज का रोल प्ले किया हुआ है जोएल डेविड मूर्य ने इस फिल्म में डॉक्टर नॉर्मस पेलमैन का रोल प्ले किया हुआ है सीसीएच पाउंडर ने इस फिल्म में माउंट का रोल प्ले किया हुआ है वेज टुवनी ने इस फिल्म में इजत के शका कामुतियन का रोल प्ले किया हुआ है लेज एलोनोस ने इस फिल्म में सत रोंगलो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिजोर ने वीवर इस फिल्म में डॉक्टर ग्रेस ऑक्सटेन के रोल में देखने को मिलेंगे दिलीप राव ने डॉक्टर मैक्स पटेल का रोल प्ले किया मैट केरनल ने इस फिल्म में लाइल इंसफिल्ड का रोल प्ले किया हुआ था फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इसमें से कुछ रोल्स है वो फिल्म के सिक्वल के लिए भी यूज किए गए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 1994 में डायरेक्टर जेम्स केमरन ने कुछ 80 पेज की एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी जहां पे उन्होंने साइंस फिक्शन बुक से इंस्पायर्ड होकर इसको तैयार किया था एक कि एडवेंचर नोवेल थी उनको चाइल्ड चाइल्डहुड में पढ़ी हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी अगस्त 1996 में कैमरन ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक फिल्म का कंप्लीट होने के बाद आने वाले समय में एक कंप्यूटर जनरेट एक्टर्स को लेकर उसमें फिल्म बनाने वाले करीबन उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगा वो हंड्रेड यूएस मिलियन हो सकता है जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में एक एक, एक मोशन पिक्चर्स के तौर पे हम बनाने वाले 1997 और नाइन के बीच में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था लेकिन कैमरों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी उतनी अभी तक हमारे पास नहीं है कि जो हम इस कहानी को इस विज़न को बड़े लेवल पर दिखा पाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी के चलते तो और बजट के चलते इस फिल्म को हम थोड़ा और लेटर ऑन पूछ करते और उसके बाद में उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने जो ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स है उनके साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत की हुई थी अवतार के ऊपर और उन्होंने उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था और उसके बाद में अक्टूबर दो हज़ार पाँच छः में सभी चीज़ें रिवील हुई थी कि प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करने वाले अवतार नाम के साथ जहाँ पे इसके ऊपर काम आगे बढ़ाया गया था उसके बाद में डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ साथ किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा सेट डिज़ाइन किए गए थे आर्टिस्ट की कैरेक्टराइजेशन सेट की गई थी और फिल्म को किस तरह से शूट किया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर वे में एक आउटपुट तैयार किया गया था और एस्टिमेट बजट कुछ टू एट्टी टू थर्टी टेन यू मिलियन डॉलर लगाया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो अप्रैल 2007 में लॉस एंजलिस और वेलिंगटन से स्टार्ट की हुई थी बाद में धीरे धीरे इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया थ्री फ्यूजन कैमरा सिस्टम के थ्रू इस फिल्म को शूट किया हुआ था और फोर्टी परसेंट लाइव एक्शन हो गई और सिक्सटी परसेंट कंप्यूटर जनरेट एलिमेंट आपको इस फिल्म के साथ देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें कुछ शेयर की हुई थी उन्होंने और उसके बाद में फिल्म की काफ़ी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में वीएफएक्स के ऊपर भी काम किया गया था और म्यूज़िक डबिंग सर्टिफिकेशन एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर भी काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइड थे दो में रिकॉर्ड किया गया था पंद्रह दिसंबर दो को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो चौदह टोटल टो, ट्रैक थे जिसको अभी ऑफिशियली आप एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो इसके अलावा डिलक्स एडिशन बोनस ट्रैक भी यूज़ किए हुए थे वो करीबन छः थे इसमें और बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया था तो ये सभी जो मोशन पिक्चर का म्यूजिक ट्रैक है वो सभी चीज़ें आपको एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को सुनने को मिल जाएगी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के रिलीज़ के ऊपर तो अवतार फिल्म जब रिलीज़ होने वाली थी काफ़ी ज़्यादा हाई एक बजट तो था ही लेकिन उसके साथ में एक अच्छा खासा मार्केट में इस फिल्म का बस चल रहा था जिसके चलते फिल्म ने ओपनिंग काफ़ी बढ़िया ली हुई थी और वैसे भी जेम्स कैमरोन एक काफ़ी जाने माने डायरेक्टर है उन्होंने इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई है टाइटन के बाद वो अवतार फिल्म लेके आ रहे थे लोग वैसे आतुर थे और उन्होंने बाद में ये सभी पॉपुलरिटी देखते हुए अवतार टू थ्री फोर फाइव पार्ट को भी अनाउंस किया हुआ है जिसको जिसका दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज़ किया था तीसरा पार्ट उन्होंने 2025 का डेट दिया हुआ है चौथे पार्ट के लिए दो और पाँचवें पार्ट के लिए दो की डेट दी हुई है फिलहाल में इन सभी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है फिर सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुल साबित हुआ था पहले पार्ट को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा एक ओपनिंग तो मिलाया था लेकिन उनकी फिल्में काफ़ी लंबा रन लेती है बॉक्स ऑफिस पे ठीक उसी तरह इस फिल्म ने भी काफ़ी बड़ा लंबा रन लिया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे पहले इस फिल्म को लंदन में रिलीज़ किया गया था प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस में रिलीज़ किया गया था फिल्म को दस से दिसंबर दो में लन में रिलीज़ किया था उसके बाद में यूएस में 18 दिसंबर 2009 को रिलीज़ किया था साथ ही में वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे सभी जगह से इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा ओपनिंग लिया उसके बाद में बढ़िया वीकेंड रहा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी लंबा रन दिलाने में कामयाब रहा जिसके चलते आई पे करीबन फिल्म को तेरह लाख वोट मिले जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लिया हुआ था तो अच्छे खासा लंबे रन के बाद फिल्म ने दो सौ मिलियन डॉलर के बजट के सामने 2.923 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पे और फिल्म ने ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जहाँ पे अपनी खुद की फिल्म टाइटैनिक का रिकॉर्ड है वो जेम्स कैमरन ने अवतार फिल्म के साथ तोड़ा हुआ था और अवतार फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना लंबा रन लिया इतना बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के सिक्वल की मांग की गई थी और उसके कुछ सालों के बाद दो में इसका सिक्वल भी आया जो भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ उसके बाद में जेम्स केमरों ने इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जहां पे दो हजार तीन अवतार तीसरा दो हजार पच्चीस अवतार चौथा पार्ट दो हजार और अवतार का पांचवा पार्ट दो हजार इक्कीस में रिलीज होने के लिए का फैसला लिया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी उसके बाद मैं ओ टी टी भी रिलीज़ किया वहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला अगर फिलहाल मैं आपको इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना है तो डिजनी प्लस होट के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे साथ ही में मल्टीपल सब टाइल सबटाइटल्स भी देखने को मिलेंगे अवतार फिल्म के ऊपर तो इस तरह से अवतार फिल्म को वहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो दोनों पार्ट तो अगर अवतार फिल्म ने आप फिल्म को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनल और, और हिंदी डब्ड वर्ज़न दोनों अवेलेबल है जिसको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अवतार फिल्म पहला पार्ट जो दो का है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है उसको स्टार गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए आप इन्जॉय कर सकते हो अवतार जो 2009 की एक एपिक साइंस फिक्शन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है जेम्स कैमरन ने प्रोड्यूस भी जेम्स कैमरन और जॉन लैंडो ने मिलकर किया हुआ था जिन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स लाइट रोम लाइट फ्राम एंटरटेनमेंट ड्यून एंटरटेनमेंट इंजीनियर्स फिल्म पार्टनर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को टू थर्टी सेवन यू एस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाई बजट फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डरेक्शन सभी चीज़ें वो जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो मारो फ्योर ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग के मामले में स्टीफन रिवकिन जॉन रेफोन और जेम्स केमरोन ने मिलकर फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट जितनी लंबी देखने को मिलेगी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था टीथ सेंचुरी फॉक्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसके अलावा फिल्म को पहले लंदन में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी कंट्रीज में सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया हुआ था अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो जेम्स वर्थिंगस्टन जो आपको इस फिल्म में कॉरपोरोल जेक सोली के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा इस सेल्डना ने इसमें नेत्री का रोल प्ले क्या हुआ इसके अलावा स्टीफन लेंगे आपको कर्नल माइल्स कोरिज के रोल में देखने को मिलेंगे मिचेल रोड्रिगस ने इस फिल्म में ट्रूडी चाओ का रोल प्ले क्या हुआ है ग्लोबनी रिबीसी ने इस फिल्म में पार्कर सेल्फ्रिज का रोल प्ले किया हुआ है जोएल डेविड मूर्य ने इस फिल्म में डॉक्टर नॉर्मस पेलमेन का रोल प्ले किया हुआ है सीसीएच पाउंडर ने इस फिल्म में माउट का रोल प्ले किया हुआ है वेज ने इस फिल्म में के का रोल प्ले किया हुआ है लेज एलोनोस ने इस फिल्म में रोंगलो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिजोर ने वीवर इस फिल्म में डॉक्टर ग्रेस ऑक्स्टेन के रोल में देखने को मिलेंगे दिलीप राव ने डॉक्टर मैक्स पटेल का रोल प्ले किया मैट केरला ने इस फिल्म में कॉर्पोरल लाइल इंसफिल्ड का रोल प्ले किया हुआ था फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं इसमें से कुछ रोल्स है वो फिल्म के सीक्वल के लिए भी यूज किए गए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 1994 में डायरेक्टर जेम्स केमरोन ने कुछ 80 पेज की एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी जहाँ पे उन्होंने साइंस फिक्शन बुक से इंस्पायर्ड होकर इसको तैयार किया था कि एडवेंचर नोवेल थी उनको चाइल्ड चाइल्डहुड में पढ़ी हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर वह उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी अगस्त 1996 में कैमरा ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक फिल्म का कंप्लीट होने के बाद आने वाले समय में एक कंप्यूटर जनरेट एक्टर्स को लेकर उसमें फिल्म बनाने वाले करीबन उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगा वो हंड्रेड यू मिलियन हो सकता है जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में एक आ, आ, एक मोशन पिक्चर्स के तौर पे हम बनाने वाले 1997 और 1999 के बीच में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था लेकिन कैमरों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी उतनी अभी तक हमारे पास नहीं है कि जो हम इस कहानी को इस विज़न को बड़े लेवल पे दिखा पाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी के चलते तो और बजट के चलते इस फिल्म को हम थोड़ा और लेटर ऑन पूछ करते थे और उसके बाद में उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने जो ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स है उनके साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत की हुई थी अवतार के ऊपर और उन्होंने उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था और उसके बाद में अक्टूबर दो हज़ार में सभी चीज़ें रिवील हुई थी कि प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करने वाले अवतार नाम के साथ जहाँ पे इसके ऊपर काम आगे बढ़ाया गया था उसके बाद में डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ साथ किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा सेट डिज़ाइन किए गए थे आर्टिस्ट की कैरेक्टराइजेशन सेट की गई थी और फिल्म को किस तरह से शूट किया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर वे में एक आउटपुट तैयार किया गया था और एस्टिमेट बजट कुछ टू एट्टी टू थर्टी टेन यू मिलियन डॉलर लगाया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो अप्रैल 2007 में लॉस एंजलिस और वेलिंगस्टन से स्टार्ट की हुई थी बाद में धीरे धीरे इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया थ्री फ्यूजन कैमरा सिस्टम के थ्रू इस फिल्म को शूट किया हुआ था और फोर्टी परसेंट लाइव एक्शन हो गए और सिक्सटी परसेंट कंप्यूटर जनरेट एलिमेंट आपको इस फिल्म के साथ देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें कुछ शेयर की हुई थी उन्होंने और उसके बाद में फ़िल्म की काफ़ी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में वी के ऊपर भी काम किया गया था और म्यूज़िक डबिंग सर्टिफिकेशन एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर भी काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइड थे दो में रिकॉर्ड किया गया था पंद्रह दिसंबर दो को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो चौदह टोटल ट्रैक थे जिसको अभी ऑफिशियली आप एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो इसके अलावा डिलक्स एडिशन बोनस ट्रैक भी यूज़ किए हुए थे वो करीबन छः थे इसमें और बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया था तो ये सभी जो मोशन पिक्चर का म्यूज़िक ट्रैक है वो सभी चीज़ें आपको एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को सुनने को मिल जाएगी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के रिलीज़ के ऊपर तो अवतार फिल्म जब रिलीज़ होने वाली थी काफ़ी ज़्यादा हाई एक बजट तो था ही लेकिन उसके साथ में एक अच्छा खासा मार्केट में इस फिल्म का बस चल रहा था जिसके चलते फिल्म ने ओपनिंग काफ़ी बढ़िया ली हुई थी और वैसे भी जेम्स कैमरन एक काफ़ी जाने माने डायरेक्टर है उन्होंने इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई है टाइटनिक के बाद वो अवतार फिल्म लेके आ रहे थे लोग वैसे आतुर थे और उन्होंने बाद में ये सभी पॉपुलरिटी देखते हुए अवतार टू थ्री फोर फाइव पार्ट को भी अनाउंस किया हुआ है जिसको जिसका दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज़ किया था तीसरा पार्ट उन्होंने 2025 का डेट दिया हुआ है चौथे पार्ट के लिए दो और पाँचवें पार्ट के लिए दो की डेट दी हुई है फिलहाल में इन सभी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है फिर सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुल साबित हुआ था पहले पार्ट को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा एक ओपनिंग तो मिलाया था लेकिन उनकी फिल्में काफ़ी लंबा रन लेती है बॉक्स ऑफिस पे ठीक उसी तरह इस फिल्म ने भी काफ़ी बड़ा लंबा रन लिया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे पहले इस फिल्म को लंदन में रिलीज़ किया गया था प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस में रिलीज़ किया गया था फिल्म को दस से दिसंबर दो में लन में रिलीज़ किया था उसके बाद में यूएस में 18 दिसंबर 2009 को रिलीज़ किया था साथ ही में वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे सभी जगह से इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा ओपनिंग लिया उसके बाद में बढ़िया वीकेंड रहा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी लंबा रन दिलाने में कामयाब रहा जिसके चलते आई एम डी पे करीबन फिल्म को तेरह लाख वोट मिले जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लिया हुआ था तो अच्छे खासा लंबे रन के बाद फिल्म ने दो यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने 2.923 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पे और फिल्म ने ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जहाँ पे अपनी खुद की फिल्म टाइटैनिक का रिकॉर्ड है वो जेम्स कैमरन ने अवतार फिल्म के साथ तोड़ा हुआ था और अवतार फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना लंबा रन लिया इतना बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के सिक्वल की मांग की गई थी और उसके कुछ सालों के बाद दो में इसका सिक्वल भी आया जो भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ उसके बाद में जेम्स केमरों ने इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जहाँ पे 2003 दो अवतार तीसरा दो हजार पच्चीस अवतार चौथा पार्ट दो हजार और अवतार का पांचवा पार्ट दो हजार इक्कीस में रिलीज होने के लिए का फैसला लिया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी उसके बाद में ओ टी पे भी रिलीज़ किया वहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला अगर फिलहाल मैं आपको इस फिल्म को ओ टी देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे साथ ही में मल्टीपल सब टाइल टाइटल्स भी देखने को मिलेंगे अवतार फिल्म के ऊपर तो इस तरह से अवतार फिल्म को वहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो दोनों पार्ट तो अगर अवतार फिल्म ने आप फिल्म को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनल और, और हिंदी डब्ड वर्जन दोनों अवेलेबल है जिसको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अवतार फिल्म पहला पार्ट जो दो का है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप डिजनी प्लस हॉट के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है उसको स्टार गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए आप एंजॉय कर सकते हो अवतार जो 2009 की एक एपिक साइंस फिक्शन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है जेम्स कैमरन ने प्रोड्यूस भी जेम्स कैमरन और जॉन लैंडो ने मिलकर किया हुआ था जिन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स लाइट रोम लाइट फ्राम एंटरटेनमेंट ट्यून एंटरटेनमेंट इंजीनियर्स फिल्म पार्टनर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को टू थर्टी सेवन यू एस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ था, था। काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाई बजट फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें वो जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो मारो फ्योर ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग के मामले में स्टीफन रिवकिन जॉन रेफोन और जेम्स केमरोन ने मिलकर फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट जितनी लंबी देखने को मिलेगी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसके अलावा फिल्म को पहले लंदन में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी कंट्रीज में सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया हुआ था अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो जेम्स वर्थिंगस्टन जो आपको इस फिल्म में कॉर्पोरल जेक सोली के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा सेल्डना ने इसमें नेत्री का रोल प्ले क्या हुआ इसके लास्टिपन लेंगे आपको कलनल माइल्स कोरिज के रोल में देखने को मिलेंगे मिचेल रोड्रिगस ने इस फिल्म में ट्रूडी चाओ का रोल प्ले क्या हुआ है ग्लोवनी रिबिजी ने इस फिल्म में पार्कर सेल्फ्रिज का रोल प्ले किया हुआ है जोएल डेविड मूर्य ने इस फिल्म में डॉक्टर पेलमैन का रोल प्ले किया हुआ है सी सी एच पाउंडर ने इस फिल्म में माउट का रोल प्ले किया हुआ है वेज ने इस फिल्म में के का रोल प्ले किया हुआ है. लेज एलोनोस ने इस फिल्म में श्यूते रोंगलो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिजोर ने वीवर इस फिल्म में डॉक्टर ग्रेस ऑक्स्टेन के रोल में देखने को मिलेंगे दिलीप राव ने डॉक्टर मैक्स पटेल का रोल प्ले किया मैट केरलाल ने इस फिल्म में कॉर्पोरलाइल एंसफिल्ड का रोल प्ले किया हुआ है था फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इसमें से कुछ रोल्स है वो फिल्म के सिक्वल के लिए भी यूज़ किए गए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 1994 में डायरेक्टर जेम्स केमरन ने कुछ 80 पेज की एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी जहाँ पे उन्होंने साइंस फिक्शन बुक से इंस्पायर्ड होकर इसको तैयार किया था कि एडवेंचर नोवेल थी उनको चाइल्ड हुड में पढ़ी हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी अगस्त 1996 में कैमरा ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक फिल्म का कंप्लीट होने के बाद आने वाले समय में एक कंप्यूटर जनरेट एक्टर्स को लेकर उसमें फिल्म बनाने वाले करीबन उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगा वो हंड्रेड यूएस मिलियन हो सकता है जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में एक, एक मोशन पिक्चर्स के तौर पर हम बनाने वाले नाइनटीन और नाइन्टीन नाइन के बीच में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था लेकिन कैमरों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी उतनी अभी तक हमारे पास नहीं है कि जो हम इस कहानी को इस विज़न को बड़े लेवल पर दिखा पाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी के चलते तो और बजट के चलते इस फिल्म को हम थोड़ा और लेटर ऑन पूछ करते और उसके बाद में उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने जो ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स है उनके साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत की हुई थी अवतार के ऊपर और उन्होंने उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था और उसके बाद में अक्टूबर 2005-6 में सभी चीज़ें रिवील हुई थी कि प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करने वाले अवतार नाम के साथ जहाँ पे इसके ऊपर काम आगे बढ़ाया गया था उसके बाद में डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ साथ किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा सेट डिज़ाइन किए गए थे आर्टिस्ट की कैरेक्टराइजेशन सेट की गई थी और फिल्म को किस तरह से शूट किया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर वे में एक आउटपुट तैयार किया गया था और एस्टिमेट बजट कुछ टू एट्टी टू थर्टी टेन यू मिलियन डॉलर लगाया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो अप्रैल 2007 में लॉस एंजलिस और वेलिंगस्टन से स्टार्ट की हुई थी बाद में धीरे धीरे इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया थ्री फ्यूजन कैमरा सिस्टम के थ्रू इस फिल्म को शूट किया हुआ था और फोर्टी परसेंट लाइव एक्शन हो गया और सिक्सटी परसेंटर कंप्यूटर जनरेट एलिमेंट आपको इस फिल्म के साथ देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें कुछ शेयर की हुई थी उन्होंने और उसके बाद में फ़िल्म की काफ़ी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में वी के ऊपर भी काम किया गया था और म्यूज़िक डबिंग सर्टिफिकेशन एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर भी काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट थे दो में रिकॉर्ड किया गया था पंद्रह दिसंबर दो को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो चौदह टोटल ट्रैक थे जिसको अभी ऑफिशियली आप एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो उसके अलावा डिलक्स एडिशन बोनस ट्रैक भी यूज़ किए हुए थे वो करीबन छः थे इसमें और बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया था तो ये सभी जो मोशन पिक्चर का म्यूजिक ट्रैक है वो सभी चीज़ें आपको एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को सुनने को मिल जाएगी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो अवतार फिल्म जब रिलीज़ होने वाली थी काफ़ी ज़्यादा हाई एक बजट तो था ही लेकिन उसके साथ में एक अच्छा खासा मार्केट में इस फिल्म का बस चल रहा था जिसके चलते फिल्म ने ओपनिंग काफ़ी बढ़िया ली हुई थी और वैसे भी जेम्स कैमरोन एक काफ़ी जाने माने डायरेक्टर है उन्होंने इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई है टाइटनिक के बाद वो अवतार फिल्म लेके आ रहे थे तो लोग वैसे आतुर थे और उन्होंने बाद में ये सभी पॉपुलरिटी देखते हुए अवतार टू थ्री फोर फाइव पार्ट को भी अनाउंस किया हुआ है जिसको जिसका दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज किया था तीसरा पार्ट उन्होंने दो का डेट दिया हुआ है चौथे पार्ट के लिए दो और पाँचवें पार्ट के लिए दो की डेट दी हुई है फिलहाल में इन सभी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है फिर सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुल साबित हुआ था पहले पार्ट को जब रिलीज किया गया तो एक अच्छा खासा एक ओपनिंग तो मिलाया था लेकिन उनकी फिल्में काफ़ी लंबा रन लेती है बॉक्स ऑफिस पे ठीक उसी तरह इस फिल्म ने भी काफ़ी बड़ा लंबा रन लिया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे पहले इस फिल्म को लंदन में रिलीज़ किया गया था प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस में रिलीज़ किया गया था फिल्म को दस से दिसंबर दो में लंदन में रिलीज़ किया था उसके बाद में यू में अट्ठारह दिसंबर दो को रिलीज़ किया था साथ ही में वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस फिल्म को अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पर सभी जगह से इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा ओपनिंग लिया उसके बाद में बढ़िया वीकेंड रहा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी लंबा रन दिलाने में कामयाब रहा जिसके चलते आई एम डी पे करीबन फिल्म को तेरह लाख वोट मिले जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लिया हुआ था तो अच्छे खासा लंबे रन के बाद फिल्म ने दो सौ सड़तीस यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने

डॉलर का कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पे और फिल्म ने ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जहाँ पे अपनी खुद की फिल्म टाइटैनिक का रिकॉर्ड है वो जेम्स कैमरन ने अवतार फिल्म के साथ तोड़ा हुआ था और अवतार फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना लंबा रन लिया इतना बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के सिक्वल की मांग की गई थी और उसके कुछ सालों के बाद दो में इसका सिक्वल भी आया जो भी काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ उसके बाद में जेम्स कैमरॉन ने इस फ्रेंचाइज़ को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जहाँ पे 2003, हज़ार दो अवतार तीसरा दो हज़ार अवतार चौथा पार्ट दो और अवतार का पाँचवा पार्ट दो में रिलीज़ होने के लिए का फैसला लिया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी उसके बाद में ओटीटी सैटेलाइट पे भी रिलीज़ किया वहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला अगर फिलहाल मैं आपको इस फिल्म को ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे साथ ही में मल्टीपल सब टाइल सब टाइटल्स भी देखने को मिलेंगे अवतार फिल्म के ऊपर तो इस तरह से अवतार फिल्म को वहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो दोनों पार्ट तो अगर अवतार फिल्म ने आप फिल्म को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनल और, और हिंदी डब्ड वर्ज़न दोनों अवेलेबल है जिसको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अवतार फिल्म पहला पार्ट जो दो का है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है उसको स्टार गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए आप इंजॉय कर सकते हो अवतार जो 2009 की एक एपिक साइंस फिक्शन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है जेम्स कैमरन ने प्रोड्यूस भी जेम्स कैमरन और जॉन लैंडो ने मिलकर किया हुआ था जिन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स लाइट रोम लाइट रॉम एंटरटेनमेंट ट्यून एंटरटेनमेंट इंजीनियर्स फिल्म पार्टनर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को टू थर्टी सेवन यू एस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाई बजट फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें वो जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो मारो फ्योर ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग के मामले में स्टीफन रिवकिन जॉन रेफोन और जेम्स केमरोन ने मिलकर फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट जितनी लंबी देखने को मिलेगी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसके अलावा फिल्म को पहले लंदन में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी कंट्रीज में सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया हुआ था अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो जेम्स वर्थिंगस्टन जो आपको इस फिल्म में कॉर्पोरल जेक सोली के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा जोई सेल्डनान ने इसमें नेत्री का रोल प्ले क्या हुआ है इसके लास्टिपन लेंगे आपको कर्नल माइल्स कोरिज के रोल में देखने को मिलेंगे मिचेल रोड्रिगस ने इस फिल्म में ट्रूडी चाव का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोवनी रिबि ने इस फिल्म में पार्कर सेल्फ्रिज का रोल प्ले किया हुआ है जोएल डेविड मूर्य ने इस फिल्म में डॉक्टर नॉर्मस पेलमेन का रोल प्ले किया हुआ है सीसीएच पाउंडर ने इस फिल्म में माउंट का रोल प्ले किया हुआ है वेज स्टुपनी ने इस फिल्म में इजे के शखा कमونتियन का रोल प्ले किया हुआ है लेज एलोनोस ने इस फिल्म में सिते रोंगलो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिजोर ने वीवर इस फिल्म में डॉक्टर ग्रेस ऑक्सटेन के रोल में देखने को मिलेंगे दिलीप राव ने डॉक्टर मैक्स पटेल का रोल प्ले किया मैट केरनल ने इस फिल्म में कॉर्पोरल लाइल एंसफिल्ड का रोल प्ले किया हुआ थी फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इसमें से कुछ रोल्स है वो फिल्म के सिक्वल के लिए भी यूज़ किए गए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 1994 में डायरेक्टर जेम्स केमरोन ने कुछ 80 पेज की एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी जहां पे उन्होंने साइंस फिक्शन बुक से इंस्पायर्ड होकर इसको तैयार किया था कि एडवेंचर नोवेल थी उनको उन चाइल्डहुड में पढ़ी हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी अगस्त 1996 में कैमरा ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक फिल्म का कंप्लीट होने के बाद आने वाले समय में एक कंप्यूटर जनरेट एक्टर्स को लेकर उसमें फिल्म बनाने वाले करीबन उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगा वो हंड्रेड यूएस मिलियन हो सकता है जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में एक मोशन एक एक पिक्चर्स के तौर पे हम बनाने वाले 1997 और नाइन के बीच में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था लेकिन कैमरों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी उतनी अभी तक हमारे पास नहीं है कि जो हम इस कहानी को इस विज़न को बड़े लेवल पर दिखा पाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी के चलते तो और बजट के चलते इस फिल्म को हम थोड़ा और लेटर ऑन पूछ करते और उसके बाद में उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने जो ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स से है उनके साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत की हुई थी अवतार के ऊपर और उन्होंने उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था और उसके बाद में अक्टूबर 2005-6 में सभी चीज़ें रिवील हुई थी कि प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करने वाले अवतार नाम के साथ जहाँ पे इसके ऊपर काम आगे बढ़ाया गया था उसके बाद में डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ साथ किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा सेट डिज़ाइन किया गए थे आर्टिस्ट की कैरेक्टराइजेशन सेट की गई थी और फिल्म को किस तरह से शूट किया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर वे में एक आउटपुट तैयार किया गया था और एस्टिमेट बजट कुछ टू एट्टी टू थर्टी टेन यू मिलियन डॉलर लगाया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को शूट करना किया स्टार्ट किया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो अप्रैल 2007 में लॉस एंजलिस और वेलिंगस्टन से स्टार्ट की हुई थी बाद में धीरे धीरे इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया थ्री फ्यूजन कैमरा सिस्टम के थ्रू इस फिल्म को शूट किया हुआ था और फोर्टी परसेंट लाइव एक्शन हो गया और सिक्सटी परसेंट कम कंप्यूटर जनरेट एलिमेंट आपको इस फिल्म के साथ देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें कुछ शेयर की हुई थी उन्होंने और उसके बाद में फ़िल्म की काफ़ी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में वी के ऊपर भी काम किया गया था और म्यूज़िक डबिंग सर्टिफिकेशन एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर भी काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स थे 2009 में रिकॉर्ड किया गया था 15 दिसंबर 2009 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो चौदह टोटल टो, ट्रैक थे जिसको भी ऑफिशियली आप एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो उसके अलावा डिलक्स एडिशन बोनस ट्रैक भी यूज़ किए हुए थे वो करीबन छः थे इसमें और बैकग्राउंड स्कोर यूज किया गया था तो ये सभी जो मोशन पिक्चर का म्यूजिक ट्रैक है वो सभी चीज़ें आपको एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को सुनने को मिल जाएगी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो अवतार फिल्म जब रिलीज होने वाली थी काफ़ी ज़्यादा हाई एक बजट तो था ही लेकिन उसके साथ में एक अच्छा खासा मार्केट में इस फिल्म का बस चल रहा था जिसके चलते फिल्म ने ओपनिंग काफ़ी बढ़िया ली हुई थी और वैसे भी जेम्स कैमरोन एक काफ़ी जाने माने डायरेक्टर है उन्होंने इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई है टाइटन के बाद वो अवतार फिल्म लेके आ रहे थे तो लोग वैसे आतुर थे और उन्होंने बाद में ये सभी पॉपुलरिटी देखते हुए अवतार टू थ्री फोर फाइव पार्ट को भी अनाउंस किया हुआ है जिसको जिसका दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज़ किया था तीसरा पार्ट उन्होंने दो का डेट दिया हुआ है चौथे पार्ट के लिए दो और पाँचवें पार्ट के लिए दो की डेट दी हुई है फिलहाल में इन सभी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है फिर सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुल साबित हुआ था पहले पार्ट को जब रिलीज किया गया तो एक अच्छा खासा एक ओपनिंग तो मिलाया था लेकिन उनकी फिल्में काफ़ी लंबा रन लेती है बॉक्स ऑफिस पे ठीक उसी तरह इस फिल्म ने भी काफ़ी बड़ा लंबा रन लिया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे पहले इस फिल्म को लंदन में रिलीज़ किया गया था प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस में रिलीज़ किया गया था फिल्म को दस से दिसंबर दो में लन में रिलीज़ किया था उसके बाद में यू में अठारह दिसंबर दो को रिलीज़ किया था साथ ही में वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस फिल्म को अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पर सभी जगह से इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव स मिला और बॉक्स ऑफिस फिल्म ने काफी ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा ओपनिंग लिया उसके बाद में बढ़िया वीकेंड रहा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफी लंबा रन दिलाने में कामयाब रहा जिसके चलते आई एम डी पे करीबन फिल्म को तेरह लाख वोट मिले जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लिया हुआ था तो अच्छे खासा लंबे रन के बाद फिल्म ने दो सौ सड़तीस यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने

डॉलर का कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पे और फिल्म ने ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जहाँ पे अपनी खुद की फिल्म टाइटैनिक का रिकॉर्ड है वो जेम्स कैमरो ने अवतार फिल्म के साथ तोड़ा हुआ था और अवतार फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना लंबा रन लिया इतना बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के सिक्वल की मांग की गई थी और उसके कुछ सालों के बाद दो में इसका सिक्वल भी आया जो भी काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ उसके बाद में जेम्स कैमरॉन ने इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जहाँ पे 2003, हज़ार तीन दो अवतार तीसरा दो हज़ार पच्चीस अवतार चौथा पार्ट दो हज़ार और अवतार का पाँचवा पार्ट दो हज़ार इक्कीस में रिलीज होने के लिए का फैसला लिया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी उसके बाद में ओटीटी सैटेलाइट पे भी रिलीज़ किया वहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला अगर फिलहाल मैं आपको इस फिल्म को ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना है तो डिजनी प्लस हॉस्टार के ऊपर देख सकते हो जहाँ पर डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेज में रिलीज़ किया हुआ है तो वहाँ पर इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे साथ ही में मल्टीपल सब टाइल भी देखने को मिलेंगे और फिल्म के ऊपर तो इस तरह से अवतार फिल्म को वहां पे ऑफिशियली देख सकते हो दोनों पार्ट तो अगर अवतार फिल्म ने फिल्म को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार स्टार ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनल और, और हिंदी डब्ड वर्जन दोनों अवेलेबल है जिसको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अवतार फिल्म पहला पार्ट जो दो का है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप डिजनी प्लस हॉट के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है उसको स्टार गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हो आप एंजॉय कर सकते हो अवतार जो 2009 की एक एपिक साइंस फिक्शन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है जेम्स कैमरन ने प्रोड्यूस भी जेम्स कैमरन और जॉन लैंडो ने मिलकर किया हुआ था जिन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स लाइट रोम लाइट रॉम एंटरटेनमेंट ड्यून एंटरटेनमेंट इंजीनियर्स फिल्म पार्टनर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को टू थर्टी सेवन यू मिलियन डॉलर में बनाया हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाई बजट फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें वो जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो मारो फ्योर ने इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग के मामले में स्टीफन रिवकिन जॉन रेफोन और जेम्स केमरोन ने मिलकर फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक सौ बासठ मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट जितनी लंबी देखने को मिलेगी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसके अलावा फिल्म को पहले लंदन में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी कंट्रीज में सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया हुआ था अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो जेम्स वर्थिंगस्टन जो आपको इस फिल्म में कॉर्पोरल जेक सोली के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा जोई सेल्डना ने इसमें नेत्री का रोल प्ले क्या हुआ इसके अलावा आपको कलनल माइल्स कोरिच के रोल में देखने को मिलेंगे मिचेल रोड्रिगस ने इस फिल्म में ट्रूडी चाव का रोल प्ले क्या हुआ है ग्लोवनी रिबिजी ने इस फिल्म में पार्कर सेल्फ्रिज का रोल प्ले किया है जोएल डेविड मूर्य ने इस फिल्म में डॉक्टर नॉर्मस स्पेलमैन का रोल प्ले किया हुआ है सीसीएच फाउंडर ने इस फिल्म में माउट का रोल प्ले किया हुआ है वेज ने इस फिल्म में के इजे कामुन का, का रोल प्ले किया हुआ है लेज एलोनोस ने इस फिल्म में सुते रोंगलो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिजोर ने वीवर इस फिल्म में डॉक्टर ग्रेस ऑक्स्टन के रोल में देखने को मिलेंगे दिलीप राव ने डॉक्टर मैक्स पटेल का रोल प्ले किया मैट केरल ने इस फिल्म में कॉर्पोरल लाइल बैंसफिल्ड का रोल प्ले किया हुआ था फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इसमें से कुछ रोल्स है वो फिल्म के सिक्वल के लिए भी यूज़ किए गए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 1994 में डायरेक्टर जेम्स केमरोन ने कुछ 80 पेज की एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी जहाँ पे उन्होंने साइंस फिक्शन बुक से इंस्पायर्ड होकर इसको तैयार किया था कि एडवेंचर नोवेल थी उनको चाइल्डहुड में पढ़ी हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी अगस्त 1996 में कैमरन ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक फिल्म का कंप्लीट होने के बाद आने वाले समय में एक कंप्यूटर जनरेट एक्टर्स को लेकर उसमें फिल्म बनाने वाले करीबन उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगा वो हंड्रेड यूएस मिलियन हो सकता है जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में एक एक मोशन पिक्चर्स के तौर पे हम बनाने वाले 1997 और नाइन के बीच में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था लेकिन कैमरोन ने सोचा कि टेक्नोलॉजी उतनी अभी तक हमारे पास नहीं है कि जो हम इस कहानी को इस विजन को बड़े लेवल पे दिखा पाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी के चलते तो और बजट के चलते इस फिल्म को हम थोड़ा और लेटर ऑन पूछ करते और उसके बाद में उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने जो ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स से है उनके साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत की हुई थी अवतार के ऊपर और उन्होंने उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था और उसके बाद में अक्टूबर दो हज़ार पाँच छः में सभी चीज़ें रिवील हुई थी कि प्रोजेक्ट को रिट फिर से स्टार्ट करने वाले अवतार नाम के साथ जहाँ पे इसके ऊपर काम आगे बढ़ाया गया था उसके बाद में डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ साथ किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा सेट डिज़ाइन किए गए थे आर्टिस्ट की कैरेक्टराइजेशन सेट की गई थी और फिल्म को किस तरह से शूट किया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर वे में एक आउटपुट तैयार किया गया था और एस्टिमेट बजट कुछ टू एट्टी टू थर्टी टेन यू एस मिलियन डॉलर लगाया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो अप्रैल 2007 में लॉस एंजलिस और वेलिंगस्टन से स्टार्ट की हुई थी बाद में धीरे धीरे इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया थ्री फ्यूजन कैमरा सिस्टम के थ्रू इस फिल्म को शूट किया हुआ था और फोटी परसेंट लाइव एक्शन हो गया और सिक्सटी परसेंटर कंप्यूटर जनरेट एलिमेंट आपको इस फिल्म के साथ देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें कुछ शेयर की हुई थी उन्होंने और उसके बाद में फ़िल्म की काफ़ी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में वी के ऊपर भी काम किया गया था और म्यूज़िक डबिंग सर्टिफिकेशन एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर भी काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के पास म्यूज़िक के राइड थे 2009 में रिकॉर्ड किया गया था 15 दिसंबर 2009 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो चौदह टोटल टो ट्रैक थे जिसको अभी ऑफिशियली आप एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो उसके अलावा डिलक्स एडिशन बोनस ट्रैक भी यूज़ किए हुए थे वो करीबन छः थे इसमें और बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया था तो ये सभी जो मोशन पिक्चर का म्यूजिक ट्रैक है वो सभी चीज़ें आपको एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को सुनने को मिल जाएगी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो अवतार फिल्म जब रिलीज़ होने वाली थी काफ़ी ज़्यादा हाई एक बजट तो था ही लेकिन उसके साथ में एक अच्छा खासा मार्केट में इस फिल्म का बस चल रहा था जिसके चलते फिल्म ने ओपनिंग काफ़ी बढ़िया ली हुई थी और वैसे भी जेम्स कैमरो एक काफ़ी जाने माने डायरेक्टर है उन्होंने इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई है टाइटन के बाद वो अवतार फिल्म लेके आ रहे थे लोग वैसे ही आतुर थे और उन्होंने बाद में ये सभी पॉपुलरिटी देखते हुए अवतार टू थ्री फोर फाइव पार्ट को भी अनाउंस किया हुआ है जिसको जिसका दूसरा पार्ट दो में रिलीज़ किया था तीसरा पार्ट उन्होंने दो का डेट दिया हुआ है चौथे पार्ट के लिए दो और पाँचवें पार्ट के लिए दो की डेट दी हुई है फिलहाल में इन सभी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है फिर सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुल साबित हुआ था पहले पार्ट को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा एक ओपनिंग तो मिलाया था लेकिन उनकी फिल्में काफ़ी लंबा रन लेती है बॉक्स ऑफिस पे ठीक उसी तरह इस फिल्म ने भी काफ़ी बड़ा लंबा रन लिया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे पहले इस फिल्म को लंदन में रिलीज़ किया गया था प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस में रिलीज़ किया गया था फिल्म को क, दस से दिसंबर दो में लंदन में रिलीज़ किया था उसके बाद में यू में अट्ठारह दिसंबर दो को रिलीज़ किया था साथ ही में वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस फिल्म को अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पर सभी जगह से इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने काफी ज्यादा तबाही मचाई हुई थी काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा ओपनिंग लिया उसके बाद में बढ़िया वीकेंड रहा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफी लंबा रन दिलाने में कामयाब रहा जिसके चलते आई पे करीबन फिल्म को तेरह लाख वोट मिले जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लिया हुआ था तो अच्छे खासा लंबे रन के बाद फिल्म ने दो सौ यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने

डॉलर का कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पे और फिल्म ने ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जहाँ पे अपनी खुद की फिल्म टाइटैनिक का रिकॉर्ड है वो जेम्स के ने अवतार फिल्म के साथ तोड़ा हुआ था और अवतार फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना लंबा रन लिया इतना बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के सिक्वल की मांग की गई थी और उसके कुछ सालों के बाद दो में इसका सिक्वल भी आया जो भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ उसके बाद में जेम्स केमरो ने इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जहाँ पे दो हजार तीन अवतार तीसरा दो हजार पच्चीस अवतार चौथा पार्ट दो हजार और अवतार का पांचवा पार्ट दो हजार इक्कीस में रिलीज होने के लिए का फैसला लिया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी उसके बाद में ओ टी टी भी रिलीज़ किया वहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला अगर फिलहाल मैं आपको इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना है तो डिजनी प्लस होट के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे साथ ही में मल्टीपल सब टाइल भी देखने को मिलेंगे अवतार फिल्म के ऊपर तो इस तरह से अवतार फिल्म को वहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो दोनों पार्ट तो अगर अवतार फिल्म ने फिल्म को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनल और, और हिंदी डब्ड वर्जन दोनों अवेलेबल है जिसको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अवतार फिल्म पहला पार्ट जो दो का है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है उसको स्टार गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए आप इन्जॉय कर सकते हो अवतार जो 2009 की एक एपिक साइंस फिक्शन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है जेम्स कैमरॉन ने प्रोड्यूस भी जेम्स कैमरन और जॉन लैंडो ने मिलकर किया हुआ था जिन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स लाइट रोम लाइट फ्राम एंटरटेनमेंट ट्यून एंटरटेनमेंट इंजीनियर्स फिल्म पार्टनर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को टू थर्टी सेवन यू एस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाई बजट फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें वो जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो मारो फ्योर ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग के मामले में स्टीफन रिवकिन जॉन रेफोन और जेम्स कैमरोन ने मिलकर फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट जितनी लंबी देखने को मिलेगी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसके अलावा फिल्म को पहले लंदन में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी कंट्रीज में सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया हुआ था अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो जेम्स वर्थिंगस्टन जो आपको इस फिल्म में कॉरपोरोल जेक सोली के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा जोई सेल्डन इसमें नेत्री का रोल प्ले क्या हुआ है इसके अलावा स्टिपन लेंगे आपको कलनल माइल्स कोरिज के रोल में देखने को मिलेंगे मिचेल रोड्रिगस ने इस फिल्म में ट्रूडी चाओ का रोल प्ले क्या हुआ है ग्लोवनी रिबीसी ने इस फिल्म में पार्कर सेल्फ्रिज का रोल प्ले किया हुआ है जोएल डेविड मूर्य ने इस फिल्म में डॉक्टर नॉर्म स्पेलमैन का रोल प्ले किया हुआ है सीसीएच फाउंडर ने इस फिल्म में माउट का रोल प्ले किया हुआ है वेज टुवनी ने इस फिल्म में इजुत के का कामुतियन का रोल प्ले किया हुआ है लेज एलोनोस ने इस फिल्म में स्युत रोंगलो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिजोर ने वीवर इस फिल्म में डॉक्टर ग्रेस ऑक्सटेन के रोल में देखने को मिलेंगे दिलीप राव ने डॉक्टर मैक्स पटेल का रोल प्ले किया मैट गर्नल ने इस फिल्म में कॉर्पोरल लाइल बंसफिल्ड का रोल प्ले किया हुआ था फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इसमें से कुछ रोल्स है वो फिल्म के सीक्वल के लिए भी यूज किए गए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 1994 में डायरेक्टर जेम्स केमरन ने कुछ 80 पेज की एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी जहां पे उन्होंने साइंस फिक्शन बुक से इंस्पायर्ड होकर इसको तैयार किया था कि एडवेंचर नोवेल थी उनको उन चाइल्डहुड में पढ़ी हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी अगस्त 1996 में कैमरन ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक फिल्म का कंप्लीट होने के बाद आने वाले समय में एक कंप्यूटर जनरेट एक्टर्स को लेकर उसमें फिल्म बनाने वाले करीबन उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगा वो हंड्रेड यू मिलियन हो सकता है जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में एक एक मोशन पिक्चर्स के तौर पे हम बनाने वाले 1997 और नाइन के बीच में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था लेकिन कैमरों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी उतनी अभी तक हमारे पास नहीं है कि जो हम इस कहानी को इस विज़न को बड़े लेवल पर दिखा पाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी के चलते तो और बजट के चलते इस फिल्म को हम थोड़ा और लेटर और पूछ करते और उसके बाद में उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने जो ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स से उनके साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत की हुई थी अवतार के ऊपर और उन्होंने उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था और उसके बाद में अक्टूबर दो हज़ार पाँच छः में सभी चीज़ें रिवील हुई थी कि प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करने वाले अवतार नाम के साथ जहाँ पे इसके ऊपर काम आगे बढ़ाया गया था उसके बाद में डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ साथ किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा सेट डिज़ाइन किए गए थे आर्टिस्ट की कैरेक्टराइजेशन सेट की गई थी और फ़िल्म को किस तरह से शूट किया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर वे में एक आउटपुट तैयार किया गया था और एस्टिमेट बजट कुछ टू एट्टी टू थर्टी टेन यूएस मिलियन डॉलर लगाया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो अप्रैल 2007 में लॉस एंजेलिस और वेलिंगस्टन से स्टार्ट की हुई थी बाद में धीरे धीरे इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया थ्री डी फ्यूजन कैमरा सिस्टम के थ्रू इस फिल्म को शूट किया हुआ था और फोर्टी परसेंट लाइव एक्शन हो गई और सिक्सटी परसेंट कंप्यूटर जनरेट एलिमेंट आपको इस फिल्म के साथ देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें कुछ शेयर की हुई थी उन्होंने और उसके बाद में फ़िल्म की काफ़ी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में वी के ऊपर भी काम किया गया था और म्यूज़िक डबिंग सर्टिफिकेशन एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर भी काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइड थे दो में रिकॉर्ड किया गया था पंद्रह दिसंबर दो को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो चौदह टोटल टो, ट्रैक थे जिसको अभी ऑफिशियली आप एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो इसके अलावा डिलक्स एडिशन बोनस ट्रैक भी यूज़ किए हुए थे वो करीबन छः थे इसमें और बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया था तो ये सभी जो मोशन पिक्चर का म्यूज़िक ट्रैक है वो सभी चीज़ें आपको एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को सुनने को मिल जाएगी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो अवतार फिल्म जब रिलीज़ होने वाली थी काफ़ी ज़्यादा हाई एक बजट तो था ही लेकिन उसके साथ में एक अच्छा खासा मार्केट में इस फिल्म का बस चल रहा था जिसके चलते फिल्म ने ओपनिंग काफ़ी बढ़िया ली हुई थी और वैसे भी जेम्स केमरोन एक काफ़ी जाने माने डायरेक्टर है उन्होंने इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई है टाइटन के बाद वो अवतार फिल्म लेके आ रहे थे तो लोग वैसे आतुर थे और उन्होंने बाद में ये सभी पॉपुलरिटी देखते हुए अवतार टू थ्री फोर फाइव पार्ट को भी अनाउंस किया हुआ जिसको जिसका दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज किया था तीसरा पार्ट उन्होंने दो का डेट दिया हुआ है चौथे पार्ट के लिए दो और पाँचवें पार्ट के लिए दो की डेट दी हुई है फिलहाल में इन सभी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है फिर सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुल हुआ था पहले पार्ट को जब रिलीज किया गया तो एक अच्छा खासा एक ओपनिंग तो मिलाया था लेकिन उनकी फिल्में काफी लंबा रन लेती है बॉक्स ऑफिस पे ठीक उसी तरह इस फिल्म ने भी काफी बड़ा लंबा रन लिया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे पहले इस फिल्म को लंदन में रिलीज किया गया था प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस में रिलीज किया गया था फिल्म को दस से दिसंबर दो में लन में रिलीज किया था उसके बाद में यूएस में 18 दिसंबर 2009 को रिलीज़ किया था साथ ही में वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे सभी जगह से इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा ओपनिंग लिया उसके बाद में बढ़िया वीकेंड रहा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी लंबा रन दिलाने में कामयाब रहा जिसके चलते आई पे करीबन फिल्म को तेरह लाख वोट मिले जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लिया हुआ था तो अच्छे खासा लंबे रन के बाद फिल्म ने दो सौ मिलियन डॉलर के बजट के सामने टू पॉइंट नाइन टू थ्री यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पे और फिल्म ने ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जहाँ पे अपनी खुद की फिल्म टाइटैनिक का रिकॉर्ड है वो जेम्स के ने अवतार फिल्म के साथ तोड़ा हुआ था और अवतार फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना लंबा रन लिया इतना बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के सीक्वल की मांग की गई थी और उसके कुछ सालों के बाद दो में इसका सिक्वल भी आया जो भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ उसके बाद में जेम्स कैमरॉन ने इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जहां पे 2003, हजार अवतार तीसरा दो हजार पच्चीस अवतार चौथा पार्ट दो हजार और अवतार का पांचवा पार्ट दो हजार इक्कीस में रिलीज होने के लिए का फैसला लिया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी उसके बाद में ओ टी टी भी रिलीज़ किया वहाँ पर फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला अगर फ़िलहाल मैं आपको इस फिल्म को ओ टी देखना है तो डिजनी प्लस होट के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे साथ ही में मल्टीपल सब टाइल भी देखने को मिलेंगे अवतार फिल्म के ऊपर तो इस तरह से अवतार फिल्म को वहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो दोनों पार्ट तो अगर अवतार फिल्म ने आप फिल्म को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनल और, और हिंदी डब्ड वर्जन दोनों अवेलेबल है जिसको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अवतार फिल्म पहला पार्ट जो दो हज़ार नौ का है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है उसको स्टार गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए आप इंजॉय कर सकते हो अवतार जो 2009 की एक एपिक साइंस फिक्शन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है जेम्स कैमरन ने प्रोड्यूस भी जेम्स कैमरन और जॉन लैंडो ने मिलकर किया हुआ था जिन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स लाइट रोम लाइट फ्रॉम एंटरटेनमेंट ड्यून एंटरटेनमेंट इंजीनियर्स फिल्म पार्टनर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को टू थर्टी सेवन यू एस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाई बजट फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डरेक्शन सभी चीज़ें वो जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो मारो फ्योर ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग के मामले में स्टीफन रिवकिन जॉन रेफोन और जेम्स केमरोन ने मिलकर फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट जितनी लंबी देखने को मिलेगी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था टीथ सेंचुरी फॉक्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसके अलावा फिल्म को पहले लंदन में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी कंट्रीज़ में सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया हुआ था अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो जेम्स वर्थिंगस्टन जो आपको इस फिल्म में कॉर्परल जेक सोली के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा जोई सेल्डन इसमें नेत्री का रोल प्ले क्या हुआ इसके अलावा स्टीफन लेंगे आपको कर्नल माइल्स कोरिज के रोल में देखने को मिलेंगे मिचेल रोड्रिगस ने इस फिल्म में ट्रूडी चाओ का रोल प्ले क्या हुआ है ग्लोवनी रिबीसी ने इस फिल्म में पार्कर सेल्फ्रिज का रोल प्ले किया हुआ है ज्वेल डेविड मूर्य ने इस फिल्म में डॉक्टर नॉर्मस पेलमेन का रोल प्ले किया हुआ है सीसीएच पाउंडर ने इस फिल्म में माउट का रोल प्ले किया हुआ है वेज ने इस फिल्म में इजे के काम का रोल प्ले किया हुआ है लेज एलोनोस ने इस फिल्म में शुते रोंगलो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिजोर ने वीवर इस फिल्म में डॉक्टर ग्रेस ऑक्स्टेन के रोल में देखने को मिलेंगे दिलीप राव ने डॉक्टर मैक्स पटेल का रोल प्ले किया मैट केरला ने इस फिल्म में कॉर्पोरल लाइल बैंसफिल्ड का रोल प्ले किया हुआ था फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इसमें से कुछ रोल्स है वो फिल्म के सिक्वल के लिए भी यूज किए गए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 1994 में डायरेक्टर जेम्स केमरोन ने कुछ 80 पेज की एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी जहां पे उन्होंने साइंस फिक्शन बुक से इंस्पायर्ड होकर इसको तैयार किया था कि एडवेंचर नोवेल थी उनको चाइल्ड उन चाइल्डहुड में पढ़ी हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी अगस्त 1996 में कैमरॉन ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक फिल्म का कंप्लीट होने के बाद आने वाले समय में एक कंप्यूटर जनरेट एक्टर्स को लेकर उसमें फिल्म बनाने वाले करीबन उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगा वो हंड्रेड यूएस मिलियन हो सकता है जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में एक मोशन एक पिक्चर्स के तौर पे हम बनाने वाले 1997 और नाइन के बीच में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था लेकिन कैमरोन ने सोचा कि टेक्नोलॉजी उतनी अभी तक हमारे पास नहीं है कि जो हम इस कहानी को इस विज़न को बड़े लेवल पर दिखा पाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी के चलते तो और बजट के चलते इस फिल्म को हम थोड़ा और लेटर ऑन पूज करते थे और उसके बाद में उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने जो ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स है उनके साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत की हुई थी अवतार के ऊपर और उन्होंने उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था और उसके बाद में अक्टूबर दो हज़ार में सभी चीज़ें रिवील हुई थी कि प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करने वाले अवतार नाम के साथ जहाँ पे इसके ऊपर काम आगे बढ़ाया गया था उसके बाद में डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ साथ किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा सेट डिज़ाइन किए गए थे आर्टिस्ट की कैरेक्टराइजेशन सेट की गई थी और फिल्म को किस तरह से शूट किया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर वे में एक आउटपुट तैयार किया गया था और एस्टिमेट बजट कुछ टू एट्टी टू थर्टी टेन यू मिलियन डॉलर लगाया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो अप्रैल 2007 में लॉस एंजलिस और वेलिंगस्टन से स्टार्ट की हुई थी बाद में धीरे धीरे इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया थ्री फ्यूजन कैमरा सिस्टम के थ्रू इस फिल्म को शूट किया हुआ था और फोटी परसेंट लाइव एक्शन हो गया और सिक्सटी परसेंटर कंप्यूटर जनरेट एलिमेंट आपको इस फिल्म के साथ देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें कुछ शेयर की हुई थी उन्होंने और उसके बाद में फ़िल्म की काफ़ी लंबी शूटिंग चल रही थी उसके बाद में वी के ऊपर भी काम किया गया था और म्यूज़िक डबिंग सेंसर सर्टिफिकेशन एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर भी काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स थे दो में रिकॉर्ड किया गया था पंद्रह दिसंबर दो को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो चौदह टोटल टो, ट्रैक थे जिसको अभी ऑफिशियली आप एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो इसके अलावा डिलक्स एडिशन बोनस ट्रैक भी यूज़ किए हुए थे वो करीबन छः थे इसमें और बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया था तो ये सभी जो मोशन पिक्चर का म्यूजिक ट्रैक है वो सभी चीज़ें आपको एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को सुनने को मिल जाएगी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के रिलीज़ के ऊपर तो अवतार फिल्म जब रिलीज़ होने वाली थी काफ़ी ज़्यादा हाई एक बजट तो था ही लेकिन उसके साथ में एक अच्छा खासा मार्केट में इस फिल्म का बस चल रहा था जिसके चलते फिल्म ने ओपनिंग काफ़ी बढ़िया ली हुई थी और वैसे भी जेम्स कैमरन एक काफ़ी जाने माने डायरेक्टर है उन्होंने इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई है टाइटन के बाद वो अवतार फिल्म लेके आ रहे थे लोग वैसे आतुर थे और उन्होंने बाद में ये सभी पॉपुलरिटी देखते हुए अवतार टू थ्री फोर फाइव पार्ट को भी अनाउंस किया हुआ है जिसको जिसका दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज़ किया था तीसरा पार्ट उन्होंने 2025 का डेट दिया हुआ है चौथे पार्ट के लिए दो और पाँचवें पार्ट के लिए दो की डेट दी हुई है फिलहाल में इन सभी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है फिर सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुल साबित हुआ था पहले पार्ट को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा एक ओपनिंग तो मिलाया था लेकिन उनकी फिल्में काफ़ी लंबा रन लेती है बॉक्स ऑफिस पे ठीक उसी तरह इस फिल्म ने भी काफ़ी बड़ा लंबा रन लिया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे पहले इस फिल्म को लंदन में रिलीज़ किया गया था प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस में रिलीज़ किया गया था फिल्म को दस से दिसंबर दो में लंदन में रिलीज़ किया था उसके बाद में यूएस में 18 दिसंबर 2009 को रिलीज़ किया था साथ ही में वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे सभी जगह से इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा ओपनिंग लिया उसके बाद में बढ़िया वीकेंड रहा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी लंबा रन दिलाने में कामयाब रहा जिसके चलते आई एम डी पे करीबन फिल्म को तेरह लाख वोट मिले जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लिया हुआ था तो अच्छे खासा लंबे रन के बाद फिल्म ने दो यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने टू पॉइंट नाइन टू थ्री यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पे और फिल्म ने ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जहाँ पे अपनी खुद की फिल्म टाइटैनिक का रिकॉर्ड है वो जेम्स कैमरो ने अवतार फिल्म के साथ तोड़ा हुआ था और अवतार फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना लंबा रन लिया इतना बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के सिक्वल की मांग की गई थी और उसके कुछ सालों के बाद दो में इसका सिक्वल भी आया जो भी काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ उसके बाद में जेम्स कैमरॉन ने इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जहाँ पे 2003, हज़ार तीन दो अवतार तीसरा दो हज़ार पच्चीस अवतार चौथा पार्ट दो हज़ार और अवतार का पाँचवा पार्ट दो हज़ार इक्कीस में रिलीज होने के लिए का फैसला लिया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी उसके बाद में ओ टी पे भी रिलीज़ किया वहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला अगर फिलहाल मैं आपको इस फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे साथ ही पे मल्टीपल सब सबटाइटल्स टाइटल्स भी देखने को मिलेंगे अवतार फिल्म के ऊपर तो इस तरह से अवतार फिल्म को वहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो दोनों पार्ट तो अगर अवतार फिल्म ने आप फिल्म को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनल और, और हिंदी डब्ड वर्जन दोनों अवेलेबल है जिसको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अवतार फिल्म पहला पार्ट जो दो का है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप डिजनी प्लस हॉट के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है उसको स्टार गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए आप एंजॉय कर सकते हो अवतार जो 2009 की एक एपिक साइंस फिक्शन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है जेम्स कैमरन ने प्रोड्यूस भी जेम्स कैमरन और जॉन लैंडो ने मिलकर किया हुआ था जिन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स लाइट रोम लाइट फ्राम एंटरटेनमेंट ट्यून एंटरटेनमेंट इंजीनियर्स फिल्म पार्टनर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को टू थर्टी सेवन यू एस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ था, था। काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाई बजट फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें वो जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो मारोफ्य ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग के मामले में स्टीफन रिवकिन जॉन रेफोन और जेम्स केमरोन ने मिलकर फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट जितनी लंबी देखने को मिलेगी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था टीथ सेंचुरी फॉक्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसके अलावा फिल्म को पहले लंदन में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी कंट्रीज में सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया हुआ था अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो जेम्स वर्थिंगस्टन जो आपको इस फिल्म में कॉर्पोरल जेक सोली के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा सेल्डना ने इसमें नेत्री का रोल प्ले क्या हुआ इसके अलावा स्टिपन लेंगे आपको कलनल माइल्स कोरिज के रोल में देखने को मिलेंगे मिचेल रोड्रिगस ने इस फिल्म में ट्रूडी चाओ का रोल प्ले क्या हुआ है ग्लोबनी रिबीसी ने इस फिल्म में पार्कर सेल्फ्रिज का रोल प्ले किया हुआ है जोएल डेविड मूर्य ने इस फिल्म में डॉक्टर नॉर्मस स्पेलमैन का रोल प्ले किया हुआ है सी सी एच पाउंडर ने इस फिल्म में माउट का रोल प्ले किया हुआ है वेज ने इस फिल्म में इजे केमुन का रोल प्ले किया हुआ है लेज एलोनोस ने इस फिल्म में श्युते रोंगलो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिजोर ने वीवर इस फिल्म में डॉक्टर ग्रेस ऑक्स्टेन के रोल में देखने को मिलेंगे दिलीप राव ने डॉक्टर मैक्स पटेल का रोल प्ले किया मैट केरलाल ने इस फिल्म में कॉर्पोरल लाइल बैंसफिल्ड का रोल प्ले किया हुआ था फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इसमें से कुछ रोल्स है वो फिल्म के सिक्वल के लिए भी यूज किए गए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 1994 में डायरेक्टर जेम्स केमरोन ने कुछ 80 पेज की एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी जहां पे उन्होंने साइंस फिक्शन बुक से इंस्पायर्ड होकर इसको तैयार किया था कि एडवेंचर नोवेल थी उनको चाइल्डहुड में पढ़ी हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी अगस्त 1996 में कैमरा ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक फिल्म का कंप्लीट होने के बाद आने वाले समय में कंप्यूटर जनरेट एक्टर्स को लेकर उसमें फिल्म बनाने वाले करीबन उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगा वो हंड्रेड यूएस मिलियन हो सकता है जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में एक मोशन एक पिक्चर्स के तौर पे हम बनाने वाले 1997 और नाइन के बीच में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था लेकिन कैमरों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी उतनी अभी तक हमारे पास नहीं है कि जो हम इस कहानी को इस विज़न को बड़े लेवल पर दिखा पाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी के चलते तो और बजट के चलते इस फिल्म को हम थोड़ा और लेटर ऑन पूछ करते थे और उसके बाद में उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने जो ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स है उनके साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत की हुई थी अवतार के ऊपर और उन्होंने उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था और उसके बाद में अक्टूबर दो हज़ार पाँच छः में सभी चीज़ें रिवील हुई थी कि प्रोजेक्ट को अब फिर से स्टार्ट करने वाले अवतार नाम के साथ जहाँ पे इसके ऊपर काम आगे बढ़ाया गया था उसके बाद में डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ साथ किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा सेट डिज़ाइन किए गए थे आर्टिस्ट की कैरेक्टराइजेशन सेट की गई थी और फिल्म को किस तरह से शूट किया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर वे में एक आउटपुट तैयार किया गया था और एस्टिमेट बजट कुछ टू एट्टी टू थर्टी टेन यू मिलियन डॉलर लगाया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो अप्रैल 2007 में लॉस एंजलिस और वेलिंगटन से स्टार्ट की हुई थी बाद में धीरे धीरे इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया थ्री फ्यूजन कैमरा सिस्टम के थ्रू इस फिल्म को शूट किया हुआ था और फोर्टी परसेंट लाइव एक्शन हो गए और सिक्सटी परसेंट कंप्यूटर जनरेट एलिमेंट आपको इस फिल्म के साथ देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें कुछ शेयर की हुई थी उन्होंने और उसके बाद में फ़िल्म की काफ़ी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में वी के ऊपर भी काम किया गया था और म्यूज़िक डबिंग सर्टिफिकेशन एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर भी काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट थे 2009 में रिकॉर्ड किया गया था 15 दिसंबर 2009 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो चौदह टोटल ट्रैक थे जिसको अभी ऑफिशियली आप एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो उसके अलावा डिलक्स एडिशन बोनस ट्रैक भी यूज़ किए हुए थे वो करीबन छः थे इसमें और बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया था तो ये सभी जो मोशन पिक्चर का म्यूजिक ट्रैक है वो सभी चीज़ें आपको एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को सुनने को मिल जाएगी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो अवतार फिल्म जब रिलीज होने वाली थी काफ़ी ज़्यादा हाई एक बजट तो था ही लेकिन उसके साथ में एक अच्छा खासा मार्केट में इस फिल्म का बस चल रहा था जिसके चलते फिल्म ने ओपनिंग काफ़ी बढ़िया ली हुई थी और वैसे भी जेम्स कैमरोन एक काफ़ी जाने माने डायरेक्टर है उन्होंने इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई है टाइटन के बाद वो अवतार फिल्म लेके आ रहे थे लोग वैसे आतुर थे और उन्होंने बाद में ये सभी पॉपुलरिटी देखते हुए अवतार टू थ्री फोर फाइव पार्ट को भी अनाउंस किया हुआ है जिसको जिसका दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज़ किया था तीसरा पार्ट उन्होंने 2025 का डेट दिया हुआ है चौथे पार्ट के लिए दो और पाँचवें पार्ट के लिए दो की डेट दी हुई है फिलहाल में इन सभी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है फिर सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुल साबित हुआ था पहले पार्ट को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा एक ओपनिंग तो मिलाया था लेकिन उनकी फिल्में काफ़ी लंबा रन लेती है बॉक्स ऑफिस पे ठीक उसी तरह इस फिल्म ने भी काफ़ी बड़ा लंबा रन लिया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे पहले इस फिल्म को लंदन में रिलीज़ किया गया था प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस में रिलीज़ किया गया था फिल्म को दस से दिसंबर दो में लंडन में रिलीज़ किया था उसके बाद में यूएस में 18 दिसंबर 2009 को रिलीज किया था साथ ही में वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे सभी जगह से इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने काफी ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा ओपनिंग लिया उसके बाद में बढ़िया वीकेंड रहा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफी लंबा रन दिलाने में कामयाब रहा जिसके चलते आई एम डी पे करीबन फिल्म को तेरह लाख वोट मिले जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लिया हुआ था तो अच्छे खासा लंबे रन के बाद फिल्म ने दो सौ मिलियन डॉलर के बजट के सामने 2.923 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पे और फिल्म ने ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जहाँ पे अपनी खुद की फिल्म टाइटैनिक का रिकॉर्ड है वो जेम्स कैमरन ने अवतार फिल्म के साथ तोड़ा हुआ था और अवतार फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना लंबा रन लिया इतना बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के सीक्वल की मांग की गई थी और उसके कुछ सालों के बाद दो में इसका सिक्वल भी आया जो भी काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ उसके बाद में जेम्स केमरो ने इस फ्रेंचाइज़ को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जहाँ पे 2003 हज़ार तीन दो अवतार तीसरा 2025, दो हज़ार पच्चीस अवतार चौथा पार्ट दो हज़ार उनतीस और अवतार का पाँचवा पार्ट दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ होने के लिए का फैसला लिया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी उसके बाद में ओटीटी सैटेलाइट पे भी रिलीज़ किया वहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला अगर फिलहाल मैं आपको इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना है तो डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे साथ ही में मल्टीपल सब टाइल सब टाइटल्स भी देखने को मिलेंगे अवतार फिल्म के ऊपर तो इस तरह से अवतार फिल्म को वहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो दोनों पार्ट तो अगर अवतार फिल्म ने आप फिल्म को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनल और, और हिंदी डब्ड वर्जन दोनों अवेलेबल है जिसको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अवतार फिल्म पहला पार्ट जो दो हज़ार नौ का है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है उसको स्टार गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए आप एंजॉय कर सकते हो अवतार जो 2009 की एक एपिक साइंस फिक्शन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है जेम्स कैमरन ने प्रोड्यूस भी जेम्स कैमरन और जॉन लैंडो ने मिलकर किया हुआ था जिन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स लाइट रोम लाइट रोम एंटरटेनमेंट ट्यून एंटरटेनमेंट इंजीनियर्स फिल्म पार्टनर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को टू थर्टी सेवन यू एस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाई बजट फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें वो जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो मारो फ्योर ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग के मामले में स्टीफन रिवकिन जॉन रेफोन और जेम्स केमरोन ने मिलकर फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट जितनी लंबी देखने को मिलेगी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसके अलावा फिल्म को पहले लंदन में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी कंट्रीज में सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया हुआ था अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो जेम्स वर्थिंगस्टन जो आपको इस फिल्म में कॉरपोरॉल जेक सोली के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा जो इसलडनान इसमें नेत्री का रोल प्ले क्या हुआ है इसके अलावा स्टीफन लेंगे आपको कर्नल माइल्स कोरिज के रोल में देखने को मिलेंगे मिचेल रोड्रिगस ने इस फिल्म में ट्रूडी चाओ का रोल प्ले क्या हुआ है ग्लोवनी रिबी ने इस फिल्म में पार्कर सेल्फ्रिज का रोल प्ले किया हुआ है जोएल डेविड मूर्य ने इस फिल्म में डॉक्टर नॉर्मस स्पेलमैन का रोल प्ले किया हुआ है सी पाउंडर ने इस फिल्म में माउट का रोल प्ले किया हुआ है ने इस फिल्म में इजे के का रोल प्ले किया हुआ है लेज एलोनोस ने इस फिल्म में श्युते रोंगलो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिजोर ने वीवर इस फिल्म में डॉक्टर ग्रेस ऑक्स्टिन के रोल में देखने को मिलेंगे दिलीप राव ने डॉक्टर मैक्स पटेल का रोल प्ले किया मैट केरल ने इस फिल्म में कॉरपोरल लाइल इंसफिल्ड का रोल प्ले किया हुआ है थी फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इसमें से कुछ रोल्स है वो फिल्म के सिक्वल के लिए भी यूज़ किए गए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 1994 में डायरेक्टर जेम्स केमरोन ने कुछ 80 पेज की एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी जहाँ पे उन्होंने साइंस फिक्शन बुक से इंस्पायर्ड होकर इसको तैयार किया था कि एडवेंचर नोवेल थी उनको चाइल्ड चाइल्डहुड में पढ़ी हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी अगस्त 1996 में कैमरन ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक फिल्म का कंप्लीट होने के बाद आने वाले समय में एक कंप्यूटर जनरेट एक्टर्स को लेकर उसमें फिल्म बनाने वाले करीबन उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगा वो 100 यूएस मिलियन हो सकता है जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में एक मोशन एक पिक्चर्स के तौर पे हम बनाने वाले नाइनटीन और नाइन्टीन नाइन के बीच में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था लेकिन कैमरों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी उतनी अभी तक हमारे पास नहीं है कि जो हम इस कहानी को इस विज़न को बड़े लेवल पर दिखा पाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी के चलते तो और बजट के चलते इस फिल्म को हम थोड़ा और लेटर ऑन पूछ करते और उसके बाद में उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने जो ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स है उनके साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत की हुई थी अवतार के ऊपर और उन्होंने उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था और उसके बाद में अक्टूबर 2005-6 में सभी चीज़ें रिवील हुई थी कि प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करने वाले अवतार नाम के साथ जहाँ पे इसके ऊपर काम आगे बढ़ाया गया था उसके बाद में डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ साथ किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा सेट डिज़ाइन किए गए थे आर्टिस्ट की कैरेक्टराइजेशन सेट की गई थी और फिल्म को किस तरह से शूट किया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर वे में एक आउटपुट तैयार किया गया था और एस्टिमेट बजट कुछ टू एट्टी टू थर्टी टेन यू मिलियन डॉलर लगाया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो अप्रैल 2007 में लॉस एंजलिस और वेलिंगस्टन से स्टार्ट की हुई थी बाद में धीरे धीरे इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया थ्री फ्यूजन कैमरा सिस्टम के थ्रू इस फिल्म को शूट किया हुआ था और फोर्टी परसेंट लाइव एक्शन हो गए और सिक्सटी परसेंट कंप्यूटर जनरेट एलिमेंट आपको इस फिल्म के साथ देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें कुछ शेयर की हुई थी उन्होंने और उसके बाद में फ़िल्म की काफ़ी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में वी के ऊपर भी काम किया गया था और म्यूज़िक डबिंग सर्टिफिकेशन एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर भी काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के पास म्यूज़िक के राइट्स थे 2009 में रिकॉर्ड किया गया था 15 दिसंबर 2009 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो चौदह टोटल ट्रैक थे जिसको अभी ऑफिशियली आप एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो उसके अलावा डिलक्स एडिशन बोनस ट्रैक भी यूज़ किए हुए थे वो करीबन छः थे इसमें और बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया था तो ये सभी जो मोशन पिक्चर का म्यूज़िक ट्रैक है वो सभी चीज़ें आपको एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को सुनने को मिल जाएगी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो अवतार फिल्म जब रिलीज होने वाली थी काफ़ी ज़्यादा हाई एक बजट तो था ही लेकिन उसके साथ में एक अच्छा खासा मार्केट में इस फिल्म का बस चल रहा था जिसके चलते फिल्म ने ओपनिंग काफ़ी बढ़िया ली हुई थी और वैसे भी जेम्स कैमरों एक काफ़ी जाने माने डायरेक्टर है उन्होंने इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई है टाइटन के बाद वो अवतार फिल्म लेके आ रहे थे लोग वैसे ही आतुर थे और उन्होंने बाद में ये सभी पॉपुलरिटी देखते हुए अवतार टू थ्री फोर फाइव पार्ट को भी अनाउंस किया हुआ है जिसको जिसका दूसरा पार्ट दो, जार दो जार में रिलीज़ किया था तीसरा पार्ट उन्होंने दो का डेट दिया हुआ है चौथे पार्ट के लिए दो और पाँचवें पार्ट के लिए दो की डेट दी हुई है फिलहाल में इन सभी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है फिर सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुल साबित हुआ था पहले पार्ट को जब रिलीज किया गया तो एक अच्छा खासा एक ओपनिंग तो मिला था लेकिन उनकी फिल्में काफ़ी लंबा रन लेती है बॉक्स ऑफिस पे ठीक उसी तरह इस फिल्म ने भी काफ़ी बड़ा लंबा रन लिया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे पहले इस फिल्म को लंदन में रिलीज किया गया था प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस में रिलीज किया गया था फिल्म को आ, दस से दिसंबर दो में लंडन में रिलीज किया था उसके बाद में यूएस में 18 दिसंबर 2009 को रिलीज़ किया था साथ ही में वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे सभी जगह से इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा ओपनिंग लिया उसके बाद में बढ़िया वीकेंड रहा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी लंबा रन दिलाने में कामयाब रहा जिसके चलते आई एम डी पे करीबन फिल्म को तेरह लाख वोट मिले जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लिया हुआ था तो अच्छे खासा लंबे रन के बाद फिल्म ने दो सौ मिलियन डॉलर के बजट के सामने 2.923 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पे और फिल्म ने ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जहाँ पे अपनी खुद की फिल्म टाइटैनिक का रिकॉर्ड है वो जेम्स केमरोन ने अवतार फिल्म के साथ तोड़ा हुआ था और अवतार फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना लंबा रन लिया इतना बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के सिक्वल की मांग की गई थी और उसके कुछ सालों के बाद दो में इसका सिक्वल भी आया जो भी काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ उसके बाद में जेम्स कैमरॉन ने इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जहाँ पे 2003, हज़ार तीन दो अवतार तीसरा दो हज़ार पच्चीस अवतार चौथा पार्ट दो हज़ार और अवतार का पाँचवा पार्ट दो हज़ार में रिलीज होने के लिए का फैसला लिया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी उसके बाद में ओटीटी सैटेलाइट पे भी रिलीज़ किया वहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला अगर फिलहाल मैं आपको इस फिल्म को ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर देखना है तो डिजनी प्लस होट के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे साथ ही में मल्टीपल सब टाइल भी देखने को मिलेंगे अवतार फिल्म के ऊपर तो इस तरह से अवतार फिल्म को वहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो दोनों पार्ट तो अगर अवतार फिल्म ने आप फिल्म को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनल और, और हिंदी डब्ड वर्जन दोनों अवेलेबल है जिसको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अवतार फिल्म पहला पार्ट जो 2009 का है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है उसको स्टार गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए आप इन्जॉय कर सकते हो अवतार जो 2009 की एक एपिक साइंस फिक्शन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है जेम्स कैमरॉन ने प्रोड्यूस भी जेम्स कैमरन और जॉन लैंडो ने मिलकर किया हुआ था जिन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स लाइट रोम लाइट रोम एंटरटेनमेंट ट्यून एंटरटेनमेंट इंजीनियर्स फिल्म पार्टनर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को टू थर्टी सेवन यू मिलियन डॉलर में बनाया हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाई बजट फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें वो जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो मारो फ्योर ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग के मामले में स्टीफन रिवकिन जॉन रेफोन और जेम्स केमरोन ने मिलकर फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक सौ बासठ मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट जितनी लंबी देखने को मिलेगी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसके अलावा फिल्म को पहले लंदन में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी कंट्रीज में सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया हुआ था अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो जेम्स वर्थिंगस्टन जो आपको इस फिल्म में कॉरपोरॉल जेक सोली के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा जो सेल्डना ने इसमें नेत्री का रोल प्ले क्या हुआ इसके अलावा स्टिपन लेंगे आपको कर्नल माइल्स कोरिज के रोल में देखने को मिलेंगे मिचेल रोड्रिगस ने इस फिल्म में ट्रूडी चाव का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोबनी रिबी ने इस फिल्म में पार्कर सेल्फ्रिज का रोल प्ले किया हुआ है जोएल डेविड मूर्य ने इस फिल्म में डॉक्टर नॉर्मस स्पेलमैन का रोल प्ले किया हुआ है सीसीएच पाउंडर ने इस फिल्म में माउंट का रोल प्ले किया हुआ है वेज स्टूफनी ने इस फिल्म में इजा कामुतियन का रोल प्ले किया हुआ है लेज एलोनोस ने इस फिल्म में सोते रोंगलो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिजोर ने वीवर इस फिल्म में डॉक्टर ग्रेस ऑक्सटेन के रोल में देखने को मिलेंगे दिलीप राव ने डॉक्टर मैक्स पटेल का रोल प्ले किया मैट गर्नल ने इस फिल्म में कॉर्पोरल लाइल वेंसफिल्ड का रोल प्ले किया हुआ था फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इसमें से कुछ रोल्स है वो फिल्म के सिक्वल के लिए भी यूज़ किए गए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 1994 में डायरेक्टर जेम्स केमरन ने कुछ 80 पेज की एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी जहां पे उन्होंने साइंस फिक्शन बुक से इंस्पायर्ड होकर इसको तैयार किया था एक एडवेंचर नोवेल थी उनको, उनको चाइल्डहुड में पढ़ी हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी अगस्त 1996 में कैमरन ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक फिल्म का कंप्लीट होने के बाद आने वाले समय में एक कंप्यूटर जनरेट एक्टर्स को लेकर उसमें फिल्म बनाने वाले करीबन उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगा वो हंड्रेड यूएस मिलियन हो सकता है जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में एक एक मोशन पिक्चर्स के तौर पे हम बनाने वाले 1997 और नाइन के बीच में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था लेकिन कैमरों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी उतनी अभी तक हमारे पास नहीं है कि जो हम इस कहानी को इस विज़न को बड़े लेवल पर दिखा पाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी के चलते तो और बजट के चलते इस फिल्म को हम थोड़ा और ऑन पूछ करते और उसके बाद में उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने जो ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स है उनके साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत की हुई थी अवतार के ऊपर और उन्होंने उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था और उसके बाद में अक्टूबर दो हज़ार पाँच छः में सभी चीज़ें रिवील हुई थी कि प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करने वाले अवतार नाम के साथ जहाँ पे इसके ऊपर काम आगे बढ़ाया गया था उसके बाद में डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ साथ किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा सेट डिज़ाइन किए गए थे आर्टिस्ट की कैरेक्टराइजेशन सेट की गई थी और फिल्म को किस तरह से शूट किया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर वे में एक आउटपुट तैयार किया गया था और एस्टिमेट बजट कुछ टू टू थर्टी टेन एस मिलियन डॉलर लगाया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो अप्रैल 2007 में लॉस एंजलिस और वेलिंगस्टन से स्टार्ट की हुई थी बाद में धीरे धीरे इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया थ्री फ्यूजन कैमरा सिस्टम के थ्रू इस फिल्म को शूट किया हुआ था और फोटी परसेंट लाइव एक्शन हो गए और सिक्सटी परसेंटर कंप्यूटर जनरेट एलिमेंट आपको इस फिल्म के साथ देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें कुछ शेयर की हुई थी उन्होंने और उसके बाद में फ़िल्म की काफ़ी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में वी के ऊपर भी काम किया गया था और म्यूज़िक डबिंग सर्टिफिकेशन एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर भी काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के पास म्यूज़िक के राइड थे 2009 में रिकॉर्ड किया गया था 15 दिसंबर 2009 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो चौदह टोटल ट्रैक थे जिसको अभी ऑफिशियली आप एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो इसके अलावा डिलक्स एडिशन बोनस ट्रैक भी यूज़ किए हुए थे वो करीबन छः थे इसमें और बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया था तो ये सभी जो मोशन पिक्चर का म्यूजिक ट्रैक है वो सभी चीज़ें आपको एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को सुनने को मिल जाएगी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज के ऊपर तो अवतार फिल्म जब रिलीज होने वाली थी काफ़ी ज़्यादा हाई एक बजट तो था ही लेकिन उसके साथ में एक अच्छा खासा मार्केट में इस फिल्म का बस चल रहा था जिसके चलते फिल्म ने ओपनिंग काफ़ी बढ़िया ली हुई थी और वैसे भी जेम्स केमरोन एक काफ़ी जाने माने डायरेक्टर है उन्होंने इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई है टाइटन के बाद वो अवतार फिल्म लेके आ रहे थे तो लोग वैसे आतुर थे और उन्होंने बाद में ये सभी पॉपुलरिटी देखते हुए अवतार टू थ्री फोर फाइव पार्ट को भी अनाउंस किया हुआ है जिसको जिसका दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज किया था तीसरा पार्ट उन्होंने दो का डेट दिया हुआ है चौथे पार्ट के लिए दो और पाँचवें पार्ट के लिए दो की डेट दी हुई है फिलहाल में इन सभी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है फिर सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुल हुआ था पहले पार्ट को जब रिलीज किया गया तो एक अच्छा खासा एक ओपनिंग तो मिलाया था लेकिन उनकी फिल्में काफ़ी लंबा रन लेती है बॉक्स ऑफिस पे ठीक उसी तरह इस फिल्म ने भी काफ़ी बड़ा लंबा रन लिया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे पहले इस फिल्म को लंदन में रिलीज़ किया गया था प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस में रिलीज़ किया गया था फिल्म को दस से दिसंबर दो में लंदन में रिलीज़ किया था उसके बाद में यू में अट्ठारह दिसंबर दो को रिलीज़ किया था साथ ही में वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस फिल्म को अलग अलग कंट्रीज़ में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पर सभी जगह से इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने काफी ज्यादा तबाही मचाई हुई थी काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा ओपनिंग लिया उसके बाद में बढ़िया वीकेंड रहा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफी लंबा रन दिलाने में कामयाब रहा जिसके चलते आई पे करीबन फिल्म को तेरह लाख वोट मिले जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लिया हुआ था तो अच्छे खासा लंबे रन के बाद फिल्म ने दो सौ यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने

डॉलर का कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पे और फिल्म ने ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जहाँ पे अपनी खुद की फिल्म टाइटैनिक का रिकॉर्ड है वो जेम्स के ने अवतार फिल्म के साथ तोड़ा हुआ था और अवतार फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना लंबा रन लिया इतना बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के सीक्वल की मांग की गई थी और उसके कुछ सालों के बाद दो में इसका सिक्वल भी आया जो भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ उसके बाद में जेम्स केमरो ने इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जहां पे 2003, हजार तीन अवतार तीसरा दो हजार पच्चीस अवतार चौथा पार्ट दो हजार और अवतार का पांचवा पार्ट दो हजार इक्कीस में रिलीज होने के लिए का फैसला लिया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी उसके बाद में ओ टी टी भी रिलीज़ किया वहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला अगर फिलहाल मैं आपको इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना है तो डिजनी प्लस होट के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे साथ ही में मल्टीपल सब टाइल भी देखने को मिलेंगे अवतार फिल्म के ऊपर तो इस तरह से अवतार फिल्म को वहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो दोनों पार्ट तो अगर अवतार फिल्म ने आप फिल्म को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार स्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनल और, और हिंदी डब्ड वर्जन दोनों अवेलेबल है जिसको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अवतार फिल्म पहला पार्ट जो दो हज़ार नौ का है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है उसको स्टार गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए आप इन्जॉय कर सकते हो अवतार जो 2009 की एक एपिक साइंस फिक्शन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है जेम्स कैमरन ने प्रोड्यूस भी जेम्स कैमरन और जॉन लैंडो ने मिलकर किया हुआ था जिन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स लाइट रोम लाइट फ्राम एंटरटेनमेंट ड्यून एंटरटेनमेंट इंजीनियर्स फिल्म पार्टनर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को टू थर्टी सेवन यू एस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाई बजट फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डरेक्शन सभी चीज़ें वो जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो मारो फ्योर ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग के मामले में स्टीफन रिवकिन जॉन रेफोन और जेम्स केमरोन ने मिलकर फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट जितनी लंबी देखने को मिलेगी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था टीथ सेंचुरी फॉक्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसके अलावा फिल्म को पहले लंदन में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी कंट्रीज में सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया हुआ था अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो जेम्स वर्थिंगस्टन जो आपको इस फिल्म में कॉर्पोरल जेक सोली के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा जो ने इसमें नेत्री का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा स्टीफन लेंगे आपको कर्नल माइल्स कोरिज के रोल में देखने को मिलेंगे मिचेल रोड्रिगस ने इस फिल्म में ट्रूडी चाओ का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोवनी रिबीसी ने इस फिल्म में पार्कर सेल्फ्रिज का रोल प्ले किया हुआ है जोएल डेविड मूर्य ने इस फिल्म में डॉक्टर नॉर्म स्पेलमैन का रोल प्ले किया हुआ है सीसीएच फाउंडर ने इस फिल्म में माउट का रोल प्ले किया हुआ है वेज टुवनी ने इस फिल्म में इजुत के शका कामुतियन का रोल प्ले किया हुआ है लेज एलोनोस ने इस फिल्म में स्युत रोंगलो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिजोर ने वीवर इस फिल्म में डॉक्टर ग्रेस ऑक्सटेन के रोल में देखने को मिलेंगे दिलीप राव ने डॉक्टर मैक्स पटेल का रोल प्ले किया मैट केरनल ने इस फिल्म में लाइल इंस फिल्ड का रोल प्ले किया हुआ था फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हुए इसमें से कुछ रोल्स है वो फिल्म के सीक्वल के लिए भी यूज किए गए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 1994 में डायरेक्टर जेम्स केमरन ने कुछ 80 पेज की एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी जहां पे उन्होंने साइंस फिक्शन बुक से इंस्पायर्ड होकर इसको तैयार किया था कि एडवेंचर नोवेल थी उनको, उनको चाइल्डहुड में पढ़ी हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी अगस्त 1996 में कैमरन ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक फिल्म का कंप्लीट होने के बाद आने वाले समय में एक कंप्यूटर जनरेट एक्टर्स को लेकर उसमें फिल्म बनाने वाले करीबन उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगा वो हंड्रेड यू मिलियन हो सकता है जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में एक एक मोशन पिक्चर्स के तौर पे हम बनाने वाले 1997 और नाइन के बीच में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था लेकिन कैमरों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी उतनी अभी तक हमारे पास नहीं है कि जो हम इस कहानी को इस विज़न को बड़े लेवल पर दिखा पाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी के चलते तो और बजट के चलते इस फिल्म को हम थोड़ा और लेटर पूछकर करते और उसके बाद में उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने जो कफ, ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स से उनके साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत की हुई थी अवतार के ऊपर और उन्होंने उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था और उसके बाद में अक्टूबर दो हज़ार पाँच छः में सभी चीज़ें रिवील हुई थी कि प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करने वाले अवतार नाम के साथ जहाँ पे इसके ऊपर काम आगे बढ़ाया गया था उसके बाद में डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ साथ किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा सेट डिज़ाइन किए गए थे आर्टिस्ट की कैरेक्टराइजेशन सेट की गई थी और फिल्म को किस तरह से शूट किया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर वे में एक आउटपुट तैयार किया गया था और एस्टिमेट बजट कुछ टू एट्टी टू थर्टी टेन यू मिलियन डॉलर लगाया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो अप्रैल 2007 में लॉस एंजलिस और वेलिंगस्टन से स्टार्ट की हुई थी बाद में धीरे धीरे इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया थ्री फ्यूजन कैमरा सिस्टम के थ्रू इस फिल्म को शूट किया हुआ था और फोर्टी परसेंट लाइव एक्शन हो गए और सिक्सटी परसेंट कंप्यूटर जनरेट एलिमेंट आपको इस फिल्म के साथ देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें कुछ शेयर की हुई थी उन्होंने और उसके बाद में फ़िल्म की काफ़ी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में वीएफएक्स के ऊपर भी काम किया गया था और म्यूज़िक डबिंग सर्टिफिकेशन एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर भी काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइड थे 2009 में रिकॉर्ड किया गया था 15 दिसंबर 2009 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो चौदह टोटल ट्रैक थे जिसको अभी ऑफिशियली आप एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो इसके अलावा डिलक्स एडिशन बोनस ट्रैक भी यूज़ किए हुए थे वो करीबन छः थे इसमें और बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया था तो ये सभी जो मोशन पिक्चर का म्यूजिक ट्रैक है वो सभी चीज़ें आपको एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को सुनने को मिल जाएगी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो अवतार फिल्म जब रिलीज़ होने वाली थी काफ़ी ज़्यादा हाई एक बजट तो था ही लेकिन उसके साथ में एक अच्छा खासा मार्केट में इस फिल्म का बस चल रहा था जिसके चलते फिल्म ने ओपनिंग काफ़ी बढ़िया ली हुई थी और वैसे भी जेम्स केमरोन एक काफ़ी जाने माने डायरेक्टर है उन्होंने इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई है टाइटन के बाद वो अवतार फिल्म लेके आ रहे थे तो लोग वैसे आतुर थे और उन्होंने बाद में ये सभी पॉपुलरिटी देखते हुए अवतार टू थ्री फोर फाइव पार्ट को भी अनाउंस किया हुआ जिसको जिसका दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज किया था तीसरा पार्ट उन्होंने दो का डेट दिया हुआ है चौथे पार्ट के लिए दो और पाँचवें पार्ट के लिए दो की डेट दी हुई है फिलहाल में इन सभी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है फिर सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुल हुआ था पहले पार्ट को जब रिलीज किया गया तो एक अच्छा खासा एक ओपनिंग तो मिलाया था लेकिन उनकी फिल्में काफ़ी लंबा रन लेती थी है बॉक्स ऑफिस पे ठीक उसी तरह इस फिल्म ने भी काफ़ी बड़ा लंबा रन लिया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे पहले इस फिल्म को लंदन में रिलीज़ किया गया था प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस में रिलीज़ किया गया था फिल्म को दस से दिसंबर दो में लंडन में रिलीज़ किया था उसके बाद में यू में अट्ठारह दिसंबर दो को रिलीज़ किया था साथ ही में वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस फिल्म को अलग अलग कंट्रीज़ में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पर सभी जगह से इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा ओपनिंग लिया उसके बाद में बढ़िया वीकेंड रहा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी लंबा रन दिलाने में कामयाब रहा जिसके चलते आई पे करीबन फिल्म को तेरह लाख वोट मिले जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लिया हुआ था तो अच्छे खासा लंबे रन के बाद फिल्म ने दो सौ यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने टू पॉइंट नाइन टू थ्री यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पे और फिल्म ने ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जहाँ पे अपनी खुद की फिल्म टाइटेनिक का रिकॉर्ड है वो जेम्स कैमरान ने अवतार फिल्म के साथ तोड़ा हुआ था और अवतार फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना लंबा रन लिया इतना बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के रिकॉबल की मांग की गई थी और उसके कुछ सालों के बाद 2022 में इसका सिक्वल भी आया जो भी काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ उसके बाद में जेम्स कैमरॉन ने इस फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जहाँ पे दो तीन दो अवतार तीसरा दो हज़ार पच्चीस अवतार चौथा पार्ट दो और अवतार का पाँचवा पार्ट दो में रिलीज होने के लिए का फैसला लिया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे फ़िल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी उसके बाद मैं ओटीटी सैटेलाइट पे भी रिलीज़ किया वहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला अगर फिलहाल मैं आपको इस फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म देखना है तो डिजनी प्लस होट के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे साथ ही में मल्टीपल सब टाइल भी देखने को मिलेंगे अवतार फिल्म के ऊपर तो इस तरह से अवतार फिल्म को वहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो दोनों पार्ट तो अगर अवतार फिल्म ने फिल्म को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार स्टार ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनल और, और हिंदी डब्ड वर्जन दोनों अवेलेबल है जिसको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अवतार फिल्म पहला पार्ट जो दो का है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप डिजनी प्लस हॉट के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है उसको स्टार गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए आप इंजॉय कर सकते हो अवतार जो 2009 की एक एपिक साइंस फिक्शन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है जेम्स कैमरन ने प्रोड्यूस भी जेम्स कैमरन और जॉन लैंडो ने मिलकर किया हुआ था जिन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स लाइट रोम लाइट फ्राम एंटरटेनमेंट ड्यून एंटरटेनमेंट इंजीनियर्स फिल्म पार्टनर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को टू थर्टी सेवन यू एस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाई बजट फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें वो जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो मारो फ्योर ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग के मामले में स्टीफन रिवकिन जॉन रेफोन और जेम्स केमरोन ने मिलकर फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट जितनी लंबी देखने को मिलेगी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसके अलावा फिल्म को पहले लंदन में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी कंट्रीज में सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया हुआ था अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो जेम्स वर्थिंगस्टन जो आपको इस फिल्म में कॉर्पोरल जेक सोली के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा जो सेल्डन ने इसमें नेत्री का रोल प्ले क्या हुआ है इसके अलावा स्टीपन लेंग आपको कर्नल माइल्स कोरिज के रोल में देखने को मिलेंगे मिचेल रोड्रिगस ने इस फिल्म में ट्रूडी चाओ का रोल प्ले किया हुआ है ग्लोवनी रिबिसे ने इस फिल्म में पार्कर सेल्फ्रिज का रोल प्ले किया हुआ है ज्वेल डेविड मूर्य ने इस फिल्म में डॉक्टर नॉर्मसपेलमैन का रोल प्ले किया हुआ है सीसीएच पाउंडर ने इस फिल्म में माउट का रोल प्ले किया हुआ है वेज ने इस फिल्म में के का रोल प्ले किया हुआ है लेज एलोनोस ने इस फिल्म में शुते रोंगलो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिजोर ने बीवर इस फिल्म में डॉक्टर ग्रेस ऑक्स्टेन के रोल में देखने को मिलेंगे दिलीप राव ने डॉक्टर मैक्स पटेल का रोल प्ले किया मैट केरला ने इस फिल्म में कॉरपोरल लाइल फिल्ड का रोल प्ले किया हुआ था फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इसमें से कुछ रोल्स है वो फिल्म के सीक्वल के लिए भी यूज किए गए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 1994 में डायरेक्टर जेम्स केमरोन ने कुछ 80 पेज की एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी जहां पे उन्होंने साइंस फिक्शन बुक से इंस्पायर्ड होकर इसको तैयार किया था कि एडवेंचर नोवेल थी उनको, उनको उन चाइल्डहुड में पढ़ी हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी अगस्त 1996 में कैमरन ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक फिल्म का कंप्लीट होने के बाद आने वाले समय में एक कंप्यूटर जनरेट एक्टर्स को लेकर उसमें फिल्म बनाने वाले करीबन उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगा वो हंड्रेड यूएस मिलियन हो सकता है जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में एक मोशन एक पिक्चर्स के तौर पे हम बनाने वाले 1997 और नाइन के बीच में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था लेकिन कैमरों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी उतनी अभी तक हमारे पास नहीं है कि जो हम इस कहानी को इस विज़न को बड़े लेवल पे दिखा पाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी के चलते तो और बजट के चलते इस फिल्म को हम थोड़ा और लेटर ऑन पूछ करते और उसके बाद में उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने जो का ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स से है उनके साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत की हुई थी अवतार के ऊपर और उन्होंने उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था और उसके बाद में अक्टूबर 2005-6 में सभी चीज़ें रिवील हुई थी कि प्रोजेक्ट को रिट फिर से स्टार्ट करने वाले अवतार नाम के साथ जहां पे इसके ऊपर काम आगे बढ़ाया गया था उसके बाद में डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ साथ किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा सेट डिज़ाइन किए गए थे आर्टिस्ट की कैरेक्टराइजेशन सेट की गई थी और फिल्म को किस तरह से शूट किया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर वे में एक आउटपुट तैयार किया गया था और एस्टिमेट बजट कुछ टू एट्टी टू थर्टी टेन यूएस मिलियन डॉलर लगाया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो अप्रैल 2007 में लॉस एंजलिस और वेलिंगस्टन से स्टार्ट की हुई थी बाद में धीरे धीरे इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया थ्री फ्यूजन कैमरा सिस्टम के थ्रू इस फिल्म को शूट किया हुआ था और फोटी परसेंट लाइव एक्शन हो गया और सिक्सटी परसेंटर कंप्यूटर जनरेट एलिमेंट आपको इस फिल्म के साथ देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें कुछ शेयर की हुई थी उन्होंने और उसके बाद में फ़िल्म की काफ़ी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में वी के ऊपर भी काम किया गया था और म्यूज़िक डबिंग सेंसर सर्टिफिकेशन एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर भी काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट थे दो में रिकॉर्ड किया गया था पंद्रह दिसंबर दो को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो चौदह टोटल ट्रैक थे जिसको भी ऑफिशियली आप एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो इसके अलावा डिलक्स एडिशन बोनस ट्रैक भी यूज़ किए हुए थे वो करीबन छः थे इसमें और बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया था तो ये सभी जो मोशन पिक्चर का म्यूजिक ट्रैक है वो सभी चीज़ें आपको एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को सुनने को मिल जाएगी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो अवतार फिल्म जब रिलीज़ होने वाली थी काफ़ी ज़्यादा हाई एक बजट तो था ही लेकिन उसके साथ में एक अच्छा खासा मार्केट में इस फिल्म का बस चल रहा था जिसके चलते फिल्म ने ओपनिंग काफ़ी बढ़िया ली हुई थी और वैसे भी जेम्स कैमरोन एक काफ़ी जाने माने डायरेक्टर है उन्होंने इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई है टाइटन के बाद वो अवतार फिल्म लेके आ रहे थे लोग वैसे आतुर थे और उन्होंने बाद में ये सभी पॉपुलरिटी देखते हुए अवतार टू थ्री फोर फाइव पार्ट को भी अनाउंस किया हुआ है जिसको जिसका दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज किया था तीसरा पार्ट उन्होंने दो का डेट दिया हुआ है चौथे पार्ट के लिए दो और पाँचवें पार्ट के लिए दो की डेट दी हुई है फिलहाल में इन सभी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है फिर सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुल साबित हुआ था पहले पार्ट को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा एक ओपनिंग तो मिलाया था लेकिन उनकी फिल्में काफ़ी लंबा रन लेती है बॉक्स ऑफिस पे ठीक उसी तरह इस फिल्म ने भी काफ़ी बड़ा लंबा रन लिया होता बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे पहले इस फिल्म को लंदन में रिलीज़ किया गया था प्रीमियर करवाया करुग गया था उसके बाद में यूएस में रिलीज़ किया गया था फिल्म को दस से दिसंबर दो में लन में रिलीज़ किया था उसके बाद में यू में अट्ठारह दिसंबर दो को रिलीज़ किया था साथ ही में वर्ल्ड वाइड लेवल पर इस फिल्म को अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पर सभी जगह से इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा स मिला और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने काफ़ी ज्यादा तबाही मचाई हुई थी काफी बढ़िया तरीके से एक अच्छा ओपनिंग लिया उसके बाद में बढ़िया वीकेंड रहा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफी लंबा रन दिलाने में कामयाब रहा जिसके चलते आई एम डी पे करीबन फिल्म को तेरह लाख वोट मिले जिसमें सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफी बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लिया हुआ था तो अच्छे खासा लंबे रन के बाद फिल्म ने दो सौ सड़तीस यूएस मिलियन डॉलर के बजट के सामने टू पॉइंट नाइन टू थ्री यू बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पे और फिल्म ने ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जहाँ पे अपनी खुद की फिल्म टाइटनिक का रिकॉर्ड है वो जेम्स कैमरोन ने अवतार फिल्म के साथ तोड़ा हुआ था और अवतार फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना लंबा रन लिया इतना बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के रिकॉबल की मांग की गई थी और उसके कुछ सालों के बाद 2022 में इसका सिक्वल भी आया जो भी काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ उसके बाद में जेम्स कैमरन ने इस फ्रेंचाइज़ को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जहाँ पे 2003 हज़ार तीन दो अवतार तीसरा 2025 दो हज़ार पच्चीस अवतार चौथा पार्ट पार, दो हजार उनतीस और अवतार का पाँचवा पार्ट दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ होने के लिए का फैसला लिया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी उसके बाद में ओटीटी सैटेलाइट पे भी रिलीज़ किया वहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला अगर फिलहाल मैं आपको इस फिल्म को ओ टी प्लेटफॉर्म देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे साथ ही में मल्टीपल सब टाइल भी देखने को मिलेंगे अवतार फिल्म के ऊपर तो इस तरह से अवतार फिल्म को वहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो दोनों पार्ट तो अगर अवतार फिल्म ने फिल्म को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार स्टार ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनल और, और हिंदी डब्ड वर्जन दोनों अवेलेबल है जिसको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अवतार फिल्म पहला पार्ट जो दो का है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप डिजनी प्लस हॉट के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है उसको स्टार गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए आप एंजॉय कर सकते हो अवतार जो 2009 की एक एपिक साइंस फिक्शन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है जेम्स कैमरन ने प्रोड्यूस भी जेम्स कैमरन और जॉन लैंडो ने मिलकर किया हुआ था जिन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स लाइट रोम लाइट रॉम एंटरटेनमेंट ट्यून एंटरटेनमेंट इंजीनियर्स फिल्म पार्टनर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को टू थर्टी सेवन यू एस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाई बजट फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें वो जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो मारो फ्योर ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग के मामले में स्टीफन रिवकिन जॉन रेफोन और जेम्स केमरोन ने मिलकर फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट जितनी लंबी देखने को मिलेगी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था टीथ सेंचुरी फॉक्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसके अलावा फिल्म को पहले लंदन में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कनाडा और दूसरे सभी कंट्रीज में सभी अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज किया हुआ था अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो जेम्स वर्थिंगस्टन जो आपको इस फिल्म में कॉर्पोरल जेक सोली के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा सेल्डना ने इसमें नेत्री का रोल प्ले क्या हुआ है इसके अलावा स्टिपन लेंगे आपको कर्नल माइल्स कोरिज के रोल में देखने को मिलेंगे मिचेल रोड्रिगस ने इस फिल्म में ट्रूडी चाओ का रोल प्ले क्या हुआ है ग्लोबनी रिबीसी ने इस फिल्म में पार्कर सेल्फ्रिज का रोल प्ले किया हुआ है जोएल डेविड मूर्य ने इस फिल्म में डॉक्टर नॉर्मस स्पेलमैन का रोल प्ले किया हुआ है सी सी एच पाउंडर ने इस फिल्म में माउट का रोल प्ले किया हुआ है वेज ने इस फिल्म में के का रोल प्ले किया हुआ है. लेज एलोनोस ने इस फिल्म में रोंगलो का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा सिजोर ने वीवर इस फिल्म में डॉक्टर ग्रेस ऑक्स्टन के रोल में देखने को मिलेंगे दिलीप राव ने डॉक्टर मैक्स पटेल का रोल प्ले किया मैट केरलाल ने इस फिल्म में कॉर्पोरल लाइल इंसफिल्ड का रोल प्ले किया हुआ था फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं इसमें से कुछ रोल्स है वो फिल्म के सिक्वल के लिए भी यूज किए गए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 1994 में डायरेक्टर जेम्स केमरोन ने कुछ 80 पेज की एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी जहां पे उन्होंने साइंस फिक्शन बुक से इंस्पायर्ड होकर इसको तैयार किया था कि एडवेंचर नोवेल थी उनको चाइल्डहुड में पढ़ी हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी अगस्त 1996 में कैमरॉन ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक फिल्म का कंप्लीट होने के बाद आने वाले समय में एक कंप्यूटर जनरेट एक्टर्स को लेकर उसमें फिल्म बनाने वाले करीबन उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगा वो हंड्रेड यूएस मिलियन हो सकता है जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में एक, एक, एक मोशन पिक्चर्स के तौर पे हम बनाने वाले 1997 और नाइन के बीच में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था लेकिन कैमरों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी उतनी अभी तक हमारे पास नहीं है कि जो हम इस कहानी को इस विज़न को बड़े लेवल पर दिखा पाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी के चलते तो और बजट के चलते इस फिल्म को हम थोड़ा और लेटर ऑन पोस्ट करते थे और उसके बाद में उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने जो ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स है उनके साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत की हुई थी अवतार के ऊपर और उन्होंने उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था और उसके बाद में अक्टूबर 2005 हज़ार में सभी चीज़ें रिवील हुई थी कि प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करने वाले अवतार नाम के साथ जहाँ पे इसके ऊपर काम आगे बढ़ाया गया था उसके बाद में डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ साथ किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा सेट डिज़ाइन किए गए थे आर्टिस्ट की कैरेक्टराइजेशन सेट की गई थी और फिल्म को किस तरह से शूट किया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर वे में एक आउटपुट तैयार किया गया था और एस्टिमेट बजट कुछ टू एट्टी टू थर्टी टेन यू मिलियन डॉलर लगाया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो अप्रैल 2007 में लॉस एंजलिस और वेलिंगस्टन से स्टार्ट की हुई थी बाद में धीरे धीरे इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया थ्री फ्यूजन कैमरा सिस्टम के थ्रू इस फिल्म को शूट किया हुआ था और फोर्टी परसेंट लाइव एक्शन हो गया और सिक्सटी परसेंट कम कंप्यूटर जनरेट एलिमेंट आपको इस फिल्म के साथ देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें कुछ शेयर की हुई थी उन्होंने और उसके बाद में फ़िल्म की काफ़ी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में वी के ऊपर भी काम किया गया था और म्यूज़िक डबिंग सर्टिफिकेशन एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर भी काम किया गया था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइड थे 2009 में रिकॉर्ड किया गया था 15 दिसंबर 2009 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो चौदह टोटल टो, ट्रैक थे जिसको अभी ऑफिशियली आप एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो उसके अलावा डिलक्स एडिशन बोनस ट्रैक भी यूज़ किए हुए थे वो करीबन छः थे इसमें और बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया था तो ये सभी जो मोशन पिक्चर का म्यूजिक ट्रैक है वो सभी चीज़ें आपको एटलांटिक और फोक्स म्यूजिक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को सुनने को मिल जाएगी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो अवतार फिल्म जब रिलीज़ होने वाली थी काफ़ी ज़्यादा हाई एक बजट तो था ही लेकिन उसके साथ में एक अच्छा खासा मार्केट में इस फिल्म का बस चल रहा था जिसके चलते फिल्म ने ओपनिंग काफ़ी बढ़िया ली हुई थी और वैसे भी जेम्स कैमरोन एक काफ़ी जाने माने डायरेक्टर है उन्होंने इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई है टाइटन के बाद वो अवतार फिल्म लेके आ रहे थे लोग वैसे आतुर थे और उन्होंने बाद में ये सभी पॉपुलरिटी देखते हुए अवतार टू थ्री फोर फाइव पार्ट को भी अनाउंस किया हुआ है जिसको जिसका दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज़ किया था तीसरा पार्ट उन्होंने 2025 का डेट दिया हुआ है चौथे पार्ट के लिए दो और पाँचवें पार्ट के लिए दो की डेट दी हुई है फिलहाल में इन सभी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है फिर सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुल साबित हुआ था पहले पार्ट को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा एक ओपनिंग तो मिलाया था लेकिन उनकी फिल्में काफ़ी लंबा रन लेती है बॉक्स ऑफिस पे ठीक उसी तरह इस फिल्म ने भी काफ़ी बड़ा लंबा रन लिया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे पहले इस फिल्म को लंदन में रिलीज़ किया गया था प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस में रिलीज़ किया गया था फिल्म को दस से दिसंबर दो में लंडन में रिलीज़ किया था उसके बाद में यूएस में 18 दिसंबर 2009 को रिलीज़ किया था साथ ही में वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे सभी जगह से इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा ओपनिंग लिया उसके बाद में बढ़िया वीकेंड रहा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी लंबा रन दिलाने में कामयाब रहा जिसके चलते आई एम डी पे करीबन फिल्म को तेरह लाख वोट मिले जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लिया हुआ था तो अच्छे खासा लंबे रन के बाद फिल्म ने दो सौ मिलियन डॉलर के बजट के सामने 2.923 यूएस बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पे और फिल्म ने ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जहाँ पे अपनी खुद की फिल्म टाइटैनिक का रिकॉर्ड है वो जेम्स कैमरन ने अवतार फिल्म के साथ तोड़ा हुआ था और अवतार फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना लंबा रन लिया इतना बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के सीक्वल की मांग की गई थी और उसके कुछ सालों के बाद दो में इसका सीक्वल भी आया जो भी काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ उसके बाद में जेम्स कैमरॉन ने इस फ्रेंचाइज़ को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जहाँ पे 2003 हज़ार तीन दो अवतार ती, तीसरा दो हज़ार पच्चीस अवतार चौथा पार्ट दो हज़ार उनतीस और अवतार का पाँचवा पार्ट दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ होने के लिए का फैसला लिया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी उसके बाद में ओटीटी सैटेलाइट पे भी रिलीज़ किया वहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला अगर फिलहाल मैं आपको इस फिल्म को ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर देखना है तो डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे साथ ही में मल्टीपल सब टाइल भी देखने को मिलेंगे अवतार फिल्म के ऊपर तो इस तरह से अवतार फिल्म को वहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो दोनों पार्ट तो अगर अवतार फिल्म ने फिल्म को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनल और, और हिंदी डब्ड वर्जन दोनों अवेलेबल है जिसको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अवतार फिल्म पहला पार्ट जो दो हज़ार नौ का है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप डिजनी प्लस हॉटस्टार के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है उसको स्टार गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए आप इन्जॉय कर सकते हो अवतार जो 2009 की एक एपिक साइंस फिक्शन अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया हुआ है जेम्स कैमरन ने प्रोड्यूस भी जेम्स कैमरन और जॉन लैंडो ने मिलकर किया हुआ था जिन्होंने ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स लाइट रोम लाइट रॉम एंटरटेनमेंट ट्यून एंटरटेनमेंट इंजीनियर्स फिल्म पार्टनर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को टू थर्टी सेवन यू एस मिलियन डॉलर में बनाया हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हाई बजट फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें वो जेम्स कैमरन ने खुद की हुई है टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो मारो फ्योर ने इस फिल्म की सीनेमाटोग्राफी की हुई है एडिटिंग के मामले में स्टीफन रिवकिन जॉन रेफोन और जेम्स केमरोन ने मिलकर फिल्म की एडिटिंग की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक सौ पांसठ मिनट का रन टाइम दिया हुआ यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट जितनी लंबी देखने को मिलेगी जिसको डिस्ट्रीब्यूट करवाया था ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स वालों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पे इसके अलावा फिल्म को पहले लंदन में प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस कैनेडा और दूसरे सभी कंट्रीज में सभी अलग अलग लैंग्वेजेज में रिलीज किया हुआ था अब हम बात करें कास्टिंग के ऊपर तो जेम्स वर्थिंगस्टन जो आपको इस फिल्म में कॉर्परल जेक सोली के रोल में देखने को मिलेंगे इसके अलावा जो इसलडनान इसमें नेत्री का रोल प्ले क्या हुआ है इसके लास्टिपन लेंगे आपको कलनल माइल्स कोरिज के रोल में देखने को मिलेंगे मिचेल रोड्रिगस ने इस फिल्म में ट्रूडी चाओ का रोल प्ले क्या हुआ है ग्लोवनी रिबि ने इस फिल्म में पार्कर सेल्फ्रिज का रोल प्ले किया हुआ है जोल डेविड मूर्य ने इस फिल्म में डॉक्टर नॉर्मस स्पेलमैन का रोल प्ले किया हुआ है सी सी एच पाउंडर ने इस फिल्म में माउट का रोल प्ले किया हुआ है ने इस फिल्म में रोल प्ले किया का, का रोल प्ले किया, किया हुआ है इसके अलावा सिजोर ने वीवर इस फिल्म में डॉक्टर ग्रेस ऑक्स्टेन के रोल में देखने को मिलेंगे दिलीप राव ने डॉक्टर मैक्स पटेल का रोल प्ले किया मैट केरल ने इस फिल्म में कॉर्पोरल लाइल एंसफिल्ड का रोल प्ले किया हुआ था फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए इसमें से कुछ रोल्स है वो फिल्म के सिक्वल के लिए भी यूज़ किए गए थे प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो 1994 में डायरेक्टर जेम्स केमरोन ने कुछ 80 पेज की एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी जहाँ पे उन्होंने साइंस फिक्शन बुक से इंस्पायर्ड होकर इसको तैयार किया था कि एडवेंचर नोवेल थी उनको चाइल्डहुड में पढ़ी हुई थी उससे इंस्पायर्ड होकर भी उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी अगस्त 1996 में कैमरन ने अनाउंस किया था कि वो टाइटैनिक फिल्म का कंप्लीट होने के बाद आने वाले समय में एक कंप्यूटर जनरेट एक्टर्स को लेकर उसमें फिल्म बनाने वाले करीबन उसका प्रोजेक्टेड कॉस्ट होगा वो हंड्रेड यूएस मिलियन हो सकता है जहाँ पे उसको प्रॉपर वे में एक मोशन एक पिक्चर्स के तौर पे हम बनाने वाले 1997 और नाइन के बीच में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था लेकिन कैमरों ने सोचा कि टेक्नोलॉजी उतनी अभी तक हमारे पास नहीं है कि जो हम इस कहानी को इस विज़न को बड़े लेवल पर दिखा पाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी के चलते तो और बजट के चलते इस फिल्म को हम थोड़ा और लेटर ऑन पूछ करते और उसके बाद में उन्होंने रिवील किया था कि उन्होंने जो ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स है उनके साथ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बातचीत की हुई थी अवतार के ऊपर और उन्होंने उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था और उसके बाद में अक्टूबर दो हज़ार में सभी चीज़ें रिवील हुई थी कि प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करने वाले अवतार नाम के साथ जहाँ पे इसके ऊपर काम आगे बढ़ाया गया था उसके बाद में डेवलपमेंट के ऊपर काम किया गया था जहाँ पे इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग के साथ साथ किस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाएगा सेट डिज़ाइन किए गए थे आर्टिस्ट की कैरेक्टराइजेशन सेट की गई थी और फिल्म को किस तरह से शूट किया जाएगा उसका पूरा प्रॉपर वे में एक आउटपुट तैयार किया गया था और एस्टिमेट बजट कुछ टू एट्टी टू थर्टी टेन यू मिलियन डॉलर लगाया गया था जहाँ पे बाद में इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया था प्रिंसिपल फोटोग्राफी वो अप्रैल 2007 में लॉस एंजलिस और वेलिंगटन से स्टार्ट की हुई थी बाद में धीरे धीरे इस फिल्म को शूट करना स्टार्ट किया थ्री फ्यूजन कैमरा सिस्टम के थ्रू इस फिल्म को शूट किया हुआ था और फोर्टी परसेंट लाइव एक्शन हो गई और सिक्सटी परसेंट कंप्यूटर कंप्यूटर जनरेट एलिमेंट आपको इस फिल्म के साथ देखने को मिलेंगे तो ये सभी चीज़ें कुछ शेयर की हुई थी उन्होंने और उसके बाद में फ़िल्म की काफ़ी लंबी शूटिंग चली थी उसके बाद में वी के ऊपर भी काम किया गया था और म्यूज़िक डबिंग सेंसर सर्टिफिकेशन एडिटिंग इन सभी चीज़ों के ऊपर भी काम किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एटलांटिक और फॉक्स म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स थे 2009 में रिकॉर्ड किया गया था 15 दिसंबर 2009 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग की बात करें तो 14 टोटल ट्रैक थे जिसको भी ऑफिशियली आप एटलान्ट और फॉक्स म्यूज़िक के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर सुन सकते हो इसके अलावा डिलक्स एडिशन बोनस ट्रैक भी यूज़ किए हुए थे वो करीबन छः थे इसमें और बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया था तो ये सभी जो मोशन पिक्चर का म्यूज़िक ट्रैक है वो सभी चीज़ें आपको एटलांटिक और फॉक्स म्यूज़िक के प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को सुनने को मिल जाएगी अब हम बात करें इस फिल्म की रिलीज़ के ऊपर तो अवतार फिल्म जब रिलीज़ होने वाली थी काफ़ी ज़्यादा हाई एक बजट तो था ही लेकिन उसके साथ में एक अच्छा खासा मार्केट में इस फिल्म का बस चल रहा था जिसके चलते फिल्म ने ओपनिंग काफ़ी बढ़िया ली हुई थी और वैसे भी जेम्स कैमरन एक काफ़ी जाने माने डायरेक्टर है उन्होंने इससे पहले काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में दी हुई है के बाद वो अवतार फिल्म लेके आ रहे थे लोग वैसे आतुर थे और उन्होंने बाद में ये सभी पॉपुलरिटी देखते हुए अवतार टू थ्री फोर फाइव पार्ट को भी अनाउंस किया हुआ है जिसको जिसका दूसरा पार्ट 2022 में रिलीज़ किया था तीसरा पार्ट उन्होंने 2025 का डेट दिया हुआ है चौथे पार्ट के लिए दो और पाँचवें पार्ट के लिए दो की डेट दी हुई है फिलहाल में इन सभी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है फिर सेकंड पार्ट भी सक्सेसफुल साबित हुआ था पहले पार्ट को जब रिलीज़ किया गया तो एक अच्छा खासा एक ओपनिंग तो मिला था लेकिन उनकी फिल्में काफ़ी लंबा रन लेती है बॉक्स ऑफिस पे ठीक उसी तरह इस फिल्म ने भी काफ़ी बड़ा लंबा रन लिया हुआ था बॉक्स ऑफिस पे जहाँ पे पहले इस फिल्म को लंदन में रिलीज़ किया गया था प्रीमियर करवाया गया था उसके बाद में यूएस में रिलीज़ किया गया था फ़िल्म को आ, दस से दिसंबर दो में लन में रिलीज़ किया था उसके बाद में यूएस में 18 दिसंबर 2009 को रिलीज़ किया था साथ ही में वर्ल्ड वाइड लेवल पे इस फिल्म को अलग अलग कंट्रीज में रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे सभी जगह से इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिला और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई थी काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा ओपनिंग लिया उसके बाद में बढ़िया वीकेंड रहा पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को काफ़ी लंबा रन दिलाने में कामयाब रहा जिसके चलते आई एम डी पे करीबन फिल्म को तेरह लाख वोट मिले जिसमें सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक लंबा रन लिया हुआ था तो अच्छे खासा लंबे रन के बाद फिल्म ने दो सौ मिलियन डॉलर के बजट के सामने टू पॉइंट बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई वर्ल्ड वाइड लेवल पे और फिल्म ने ओल्ड टाइम ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जहाँ पे अपनी खुद की फिल्म टाइटैनिक का रिकॉर्ड है वो जेम्स के ने अवतार फिल्म के साथ तोड़ा हुआ था और अवतार फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक इतना लंबा रन लिया इतना बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया उसके बाद में इस फिल्म के सीक्ल की मांग की गई थी और उसके कुछ सालों के बाद दो में इसका सीक्वल भी आया जो भी काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ उसके बाद में जेम्स केमरों ने इस फ्रेंचाइज़ को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जहाँ पे 2003 हज़ार तीन दो अवतार तीसरा 2025, दो हज़ार पच्चीस अवतार चौथा पार्ट दो हज़ार उन्तीस और अवतार का पाँचवा पार्ट दो हज़ार इक्कीस में रिलीज़ होने के लिए का फैसला लिया तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक अच्छा खासा रिस्पांस हासिल किया और बॉक्स ऑफिस पे फिल्म सक्सेसफुल साबित हुई थी उसके बाद में ओटीटी सैटेलाइट पे भी रिलीज़ किया वहाँ पे फिल्म को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला अगर फिलहाल मैं आपको इस फिल्म को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखना है तो डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर इस फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ किया हुआ है तो वहाँ पे इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे साथ ही में मल्टीपल सब टाइल भी देखने को मिलेंगे अवतार फिल्म के ऊपर तो इस तरह से अवतार फिल्म को वहाँ पर ऑफिशियली देख सकते हो दोनों पार्ट तो अगर अवतार फिल्म ने फिल्म को अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऑफिशियली डिजनी प्लस हॉटस्टार ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हो जहाँ पे इंग्लिश ओरिजिनल और, और हिंदी डब्ड वर्जन दोनों अवेलेबल है जिसको विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अवतार फिल्म पहला पार्ट जो 2009 का है वो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में ऑफिशियली विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो इसके अलावा इस फिल्म का जो हिंदी सेटेलाइट वर्जन है उसको स्टार गोल्ड के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए आप इंजॉय कर सकते हो तो बस का अवतार फिल्म के ऊपर जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके दे दिए फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी दे दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू